stop out tapping. That's treat. What if there was a way to reduce the chance of stop outs if the market suddenly moves against you? There is. And it's called Stop Out Protection, a brand new tool for Texans that gives you a buffer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Quick Review. और साउंड वगैरह आप अपने पास चेक करें, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं. मेरे पास यहाँ पे क्लियर है, आप भी जो है वो अपने पास चेक कर लें और उसके बाद जो है ना फिर आगे स्टार्ट करते हैं. हमारे पास लेक्चर 17 है जीएसए का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जिसके अंदर हम फूड साइंस जो है इसको डिस्कस करने लगे हैं. और फूड साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो भी टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं. इनको डिस्कस करते जाएंगे. छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्थ में नहीं जाएंगे. इनको समझते जाएंगे और आगे निकलते जाएंगे, ठीक है. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 16 टॉपिक्स हैं. टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन इनकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि यार 16 टॉपिक तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है. चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं और इसमें से दो से तीन चीजें जो है वो हर बार एग्जाम के अंदर आती ही आती हैं. कोई बैलेंस डाइट के हवाले से पूछ लेगा, कार्ब्स के हवाले से पूछ लेगा, प्रोटीन के हवाले से होगा, फूड एडल्ट्रेशन के हवाले से पूछ लेगा, यानी कि दो से तीन आप कह लें कि इसमें से वो पूछता ही पूछता है छोटी छोटी चीजें, ठीक है. लेकिन वो छोटी छोटी होती हैं, इसमें परेशानी की बात नहीं है. इसके अंदर हम देखिए, हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की, बायोमोलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट या लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, विटामिन और मिनरल्स की बात करेंगे, एंजाइम्स की और न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, फूड एडिटिव्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, फूड प्रोसेसिंग की, प्रिजर्वेशन की, क्वालिटी और पैक, क्वालिटी ऑफ पैक एंड फ्रोजन फूड्स की बात करेंगे, फूड पैकेजिंग की बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ फूड क्वालिटी की बात करेंगे और फूड एडल्ट्रेशंस की हम बात करेंगे. तो टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, सिंपल हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं और दिन में 10 बार इन चीज़ों के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं हम कि वही हैं. हाँ भाई, क्या खाया, कैसे खाया, कितना खाया, कितने मिनरल्स का इंटेक किया, कितनी कैलोरीज ले रहे हो, पतले हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, ठीक है. तो क्या सेहत के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं. तो इसलिए इसमें जो है ना परेशानी की कोई भी बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह आमना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, ओके, साउंड इज गुड, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है जी, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, ठीक है. जैसे मैंने कहा कि ये सारा टॉपिक वही है, ये सारे वही टॉपिक हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जो है दिन में 10 बार डिबेट कर रहे होते हैं. बहन भाई के साथ कर रहा होता है, ठीक है, बच्चे पेरेंट्स के साथ कर रहे होते हैं, ये खाएं, ये ना खाएं, यूं खाएं, इसका नुकसान है, इसका फायदा है, ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, ये बुरा, ये सर्दियां हैं, ये सर्दियों में खाएं, ये गर्मियों में खाएं. तो हम वैसे ही फूड एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, फूड व्लॉगिंग तो आप देखते ही देखते हैं ना फेसबुक के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, तो फूड व्लॉगिंग बहुत टॉप पे जा रही है. बिल्कुल वैसे ही हम फूड एक्सपर्ट हैं. ये अलग बात है, हेल्दी हमें पता है क्या होता है, खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी जो है कोशिश करते हैं कि यार हम फिलोसोफर जरूर बने और अपनी तरफ से फैट्स और जो कुछ भी हमें मिलता है खाते जाते हैं. और फिर आपको पता है कुछ लोग मोटे होते हैं मेरी तरह, फिर वो कहते हैं यार हम पतले हो सकें उस पर भी एफर्ट करते हैं वो, तो कुछ और लोग भी मोटे होंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है जी बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ये सारा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि सारा चैप्टर जो है वो बैलेंस डाइट के इर्द गिर्द घूमता है. अब बैलेंस डाइट क्या है, सिंपली देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जो हम खाते पीते हैं उसके अंदर बैलेंस लाना या तवाजुन लेके आना, यानी जो हम खाते पीते हैं उसके अंदर तवाजुन पैदा करना. अब तवाजुन का क्या मतलब है, इक्वलिटी, बराबरी, कि ऐसा बैलेंस जितना बैलेंस चाहिए, जो जो चीज बॉडी को जिस जिस लेवल पे जितनी जितनी चाहिए, अगर हम उसका उतना ही इंटेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं. क्योंकि देखिए, ये कायनात तो चीजों से भरी हुई है, अल्लाह ने हर तरह की चीजें बनाई हैं, सब्जियां बनाई हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हर चीज है यहाँ पे, मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं. तो ये क्यों बनाई है, इसीलिए बनाई है ताकि हम हर चीज का थोड़ा थोड़ा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इंटेक करें, ठीक है, यानी कि जितना जरूरत है उतना ही जो है हम लें, तो वो मिलके क्या बनेगा, एक बैलेंस डाइट बनेगा. एक इंसान है, मैं हूं या आप हैं, हमें हेल्दी रहना है, ऐसा ही है, हमें फिट रहना है, सेहतमंद रहना है.
तो हम उसके लिए क्या खा सकते हैं कि जो हमें फिट रखे, सेहतमंद रखे। तो अल्टीमेटली उसका पहला आंसर यही होगा कि हम जो है वो बैलेंस डाइट लें, एक ऐसी डाइट लें जिसमें हमारे अंदर, हमारी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी ना हो, किसी भी चीज की कमी ना हो, और अगर कमी ना हो तो ज्यादा भी ना हो। जाहिर बात है, जैसे अगर कुछ लोग मोटे हैं तो क्यों मोटे हैं, क्योंकि इसी वजह से उनके अंदर फैट ज्यादा हो गए हैं, ऐसा ही है। कुछ कमजोर हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कमी है, डेफिशिएंसी है। तो ये हम डे टू डे देखते हैं, अच्छा तुम्हारी आंखें तो ऐसी नजर आ रही है, इसका मतलब अच्छा तुम्हारी आंखों का कलर ऐसा है, तुम्हें तो इस चीज की कमी है, तुम्हें ये विटामिन कम है, अच्छा तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, तुम्हें जो है फना विटामिन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये हम डे टू डे सुनते हैं, तो हम ये कहते हैं अच्छा तुम ये खाओ, तुम्हें इस चीज की कमी है, तुम ये खाओ, अच्छा तुम्हें ये है, तुम ये खाओ, तो ये खाओ खाओ का मतलब वो डेफिशिएंसी है। तो अगर हम बैलेंस डाइट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन फिर अगर हम बैलेंस डाइट रखेंगे तो फिर डॉक्टर्स बेचारे कहां पे जाएंगे, ऐसा ही है। तो इसलिए हम बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं रखेंगे, हाँ थोड़ा ख्याल रखेंगे और कुछ चीजों की डेफिशिएंसी रहेगी, तभी तो ये फार्मास्यूटिकल्स जो है वो चलेंगी, ये डॉक्टर्स जो है अपना काम करेंगे। और आपको पता है दुनिया में नंबर वन पे इस टाइम पे जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो दवाइयां बनाने वाली कंपनीज हैं ये नंबर वन पे इस टाइम पे, सबसे ज्यादा जो है टर्नओवर इनका होता है और सबसे टॉप पे। हर घर में हर बंदे का अपना पैकेट होता है दवाइयों का, बावजूद इसके हमें पता है बैलेंस डाइट क्या है, फिर भी जो है वो हर घर के अंदर जो है दवाइयों के पैकेट है। मेरा अपनी खुद पर्सनल एग्जाम्पल दूं तो मैं जो है सुबह किडनी के लेता हूं, यूरिक एसिड की लेता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दो तीन तो मैं जो है वो डेली इनटेक कर रहा होता हूं, तो वो अगर बैलेंस डाइट का मैंने ख्याल रखा होता तो इसका मतलब यह है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स ना होते। लेकिन क्योंकि ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब फिर मैं उनका भी ख्याल रखता हूं, वो भी बिजनेस करते हैं, लोगों को जॉब्स देते हैं, तो खैर वो एक फिर अलग डिबेट हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट का मतलब है जो जो बॉडी को चाहिए उसको एक तवाजुन के अंदर जो है उसका इनटेक करना, यही हमारे पास बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या आता है, अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट की, कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी है बैलेंस डाइट के लिए, कैसे उसका बैलेंस बनेगा, तो कुछ चीजें बॉडी को ज्यादा चाहिए और कुछ चीजें बॉडी को कम चाहिए, ऐसे ही है ना, यानी कुछ चीजों की मिकदार ज्यादा होगी तो कुछ की कम होगी। अब कुछ जो ज्यादा चाहिए उसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो बड़े पैमाने पे हमारी बॉडी को चाहिए उनको हम कह रहे हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कार्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये तीन वो चीजें हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है, ये बॉडी को ज्यादा चाहिए होते हैं। इसलिए हम सुबह भी उठ के यही खाते हैं, दिन के टाइम पे भी यही खा रहे होते हैं, रात को सोने से पहले भी जो है खूब सारा खा के ये तीनों चीजें, क्योंकि हम कहते हैं ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा ख्याल रखें, तो हम ज्यादा खा के सोते हैं, ऐसा ही है। इसी तरह से फिर कुछ हैं जो कि कम चाहिए, जो इन चीजों को फंक्शनल करने के लिए, इनको प्रॉपर करने के लिए या इनका असर ठीक से पहुंचाने के लिए बॉडी के अंदर हमें जरूरत होती है, ठीक है, तो वो हम कहते हैं वो कम मिकदार में चाहिए, वो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। कि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं हमें कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए लेकिन अल्टीमेटली चाहिए। ये सारे का सारा बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि हम यहां पे जो छोटे-छोटे देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसके लिए, ये मॉलिक्यूल क्यों चाहिए, ये कौन सा मॉलिक्यूल पैदा कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है केमिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन बायो के अंदर, ठीक है, कि बायो जो है हमसे डील कर रही है, जारी बात है सारी चीजें। तो बैलेंस डाइट में अगर हम देखते हैं इसका चार्ट देखते हैं, तो ये प्लेट अगर आपको दी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेट है जो आपको देखने को मिल रही है, ये सारी बैलेंस डाइट की जो है वो प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर हर चीज मौजूद है, इसके अंदर फ्रूट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर नट्स भी जो है वो मौजूद हैं, और इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, मिनरल्स भी मौजूद हैं और विटामिंस भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली छह चीजें होती है ना, ठीक है, तो ये सारी की सारी हमें जो है वो चाहिए होती हैं, सारी की सारी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, फैट्स चाहिए होते हैं, विटामिंस, मिनरल्स और एट द एंड वाटर हमें जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि इन सारी चीजों को जाहिर बात है फाइबर या वाटर कह ले, फाइबर तो खैर बाकियों के अंदर भी होता है लेकिन वाटर एक बहुत जरूरी जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है। तो ये छह चीजें मिलकर जो है वो बैलेंस डाइट बनाती हैं। अब आप में से कोई ये सोचे यार पानी की तो जरूरत ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि पानी सबसे ज्यादा चाहिए, बॉडी तो बनी भी पानी से है, 70% हमारे सेल जो है वो पानी का है, 70% हमारी बॉडी पानी की है, 70% हमारा ब्रेन पानी का है, तो पानी से ही चीजें बनी हुई हैं, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, बैलेंस डाइट। अब जब आपने ये समझ लिया कि ये बैलेंस डाइट बना रही हैं, तो हम चाहे इसकी कितनी भी आगे डिबेट में चले जाएं, आपको ये पता होगा कि एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने उतना ही लिखना है जितना हमें चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कार्ब्स के ऊपर, थोड़ा सा प्रोटीन्स के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन आता है बैलेंस डाइट के ऊपर लिखें तो जाहिर बात है थोड़ा थोड़ा लिखना है, लेकिन अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाते हैं तो फिर हम उस पे अलग से नोट लिखेंगे, प्रोटीन्स पे आते हैं तो अलग से, फैट्स पे आता है या लिपिड्स पे आता है तो अलग से,
अब बैलेंस डाइट में हमारी बॉडी को किस परसेंटेज से चीजें चाहिए, यानी अगर 100% में से हम देखते हैं तो हमारी बॉडी को क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, अगर वो देखते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई 25% जो है यहां पे सबसे ज्यादा 40% हमें क्या चाहिए, अगर यहां पे देखें तो 40% हमें वेजिटेबल्स चाहिए, यानी उससे जो चीजें हमें हासिल हो रही हैं, कार्ब्स वगैरह या प्रोटीन जो वेजिटेबल से हासिल हो रहे हैं वो हमें उससे चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो 25% जो है वो हमें कार्ब्स चाहिए और 25% ही हमें जो है वो फाइबर रिच फ्रूट चाहिए, ठीक है, और प्रोटीन हमें चाहिए 25% जो अंडे वगैरह या जो गोश्त वगैरह में होते हैं, ठीक है, तो वो चाहिए, और 10% जो है हमें फैट्स चाहिए, यानी इसका मतलब है सबसे लो हमें फैट्स चाहिए जो हम सबसे हाई लेते हैं, ऐसा ही है, यानी सबसे लो फैट्स चाहिए लेकिन हर चीज के साथ हम फैट ले रहे होते हैं, हर चीज के साथ जो हम खा रहे होते हैं वो प्रोटीन तो होता है लेकिन साथ में फैट भी हो रहा होता है, ठीक है जी, चाहे हम जो है वो बैड फैट की बात करें या गुड फैट की बात करें तो हम उसका इंटेक ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आज हेल्थ के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, देखें आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, कितने कितने प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सिर्फ इसलिए कि फैट का इंटेक ज्यादा हो गया, क्योंकि फैट की वजह से टेस्ट बनता है, समझ गए हैं, तो ये फैट जो है ना इन सारी चीजों का टेस्ट अलग है लेकिन इनका टेस्ट बनाने वाली जो चीज है वो फैट है, जैसे वो अक्सर अपना नाम नहीं लेता फेसबुक पे आपने देखा होगा कि लाहौर में वो दिखाते हैं कि भाई देसी घी के अंदर जो है ना वो खाने पका के ड्रमों के ड्रम फेंकते हैं तो कहते हैं भाई देसी घी में हम पका रहे हैं इसलिए खाओ, भाई तो देसी घी में इसका मतलब क्या वो पीना शुरू कर दें वो अपने आप को जो है ना, फिर वो यहां पे डॉक्टर अफान वाली बात आ जाती है, तो छोड़ें। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि चीजें सारी की सारी जो है वो बैलेंस होना चाहिए। वेलकम नेहा, थैंक यू सो मच। ओके, आपने अच्छा बताया, मैं विटामिन B12 जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता है, तो मैं वो भी जो है वो यूज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अंडे खाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूरिक एसिड है, अब अंडा सबसे ज्यादा प्रोटीन है तो वो फिर अगर प्रोटीन तो मना है तो अगर मैं बालों का ख्याल करता हूं तो फिर जो है वो किडनी जाती है, किडनी का ख्याल करता हूं तो बाल जाते हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो खैर चले ये चलता रहेगा। तो अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बड़े पैमाने पे हमारी बॉडी को चाहिए, जो सुबह शाम दिन रात हम खा रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब, या हम जिसे कहते हैं कार्ब्स जो हैं, ये एक्चुअली में शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स है जो कार्ब्स होते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। अब आप जो है पूरा दिन के बैठे हुए हैं, जैसे ही आपने रमजान के अंदर जो है वो अफतारी की तो आपने जो है वो मीठा इंटेक करना स्टार्ट कर दिया, शुगर लिया ना, तो इसका मतलब यह है कि एकदम से जो है आपकी आंखें खुल गई, आपको होश आया, हाँ भाई मैं कहीं जिंदा हूं। आप बेशक खाना ना खाएं, कुछ ना खाएं, लेकिन अगर आप कार्ब्स नहीं खाएंगे तो शुगर नहीं बनेगा, अल्टीमेटली शुगर नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी, आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी और ब्रेन के फंक्शन के लिए सबसे पहली चीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये अच्छी खासी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो प्रोसेस करके बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है, और इसमें प्रोटीन और फैट्स यानी कि सब इसमें शामिल होता है कह सकते हैं कार्ब्स के अंदर। और नॉर्मली आप देखते हैं जब हम ये कहते हैं ना कि भाई हमें पतला होना है तो फिर हम कहते हैं भाई अब हमें कार्ब्स जो है वो छोड़ने हैं और इनको जो है कम करना इनका इंटेक, ताकि हम जो है देख सके कि हमारी कैलोरीज कितनी लग रही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन और फैट्स के अंदर होते हैं, और ये बहुत ही बेसिक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बैलेंस डाइट के अंदर शामिल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फूड्स के अंदर भी हो सकता है और ड्रिंक्स के अंदर भी, यानी फूड और ड्रिंक्स दोनों के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो डिवीजन की बात करते हैं तो दो बेसिक डिवीजंस होती हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, या आप कह सकते हैं कि इंस्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फौरन से हम खाते हैं, शुगर बनाते हैं, इंसुलिन का जो लेवल है वो हमारा बेहतर हो जाता है और हमें थोड़ा सा होश आता है कि हां भाई हम कहीं पे हैं, ठीक है, और ये रैपिड एनर्जी जो है वो दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, हनी है, या जो प्रोसेस्ड फूड है जो बाहर का हम वो भी खाते हैं, जाहिर बात है उसके अंदर भी ये चीजें होती हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है वो रिच हैं इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, और इंस्टेंट जो है वो हमें क्या देती है जी, शुगर प्रोवाइड करती है। फिर है जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है जो हम बाकी चीजें जो खा रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, पल्सेस या वेजिटेबल्स से जो हमें हासिल होता है, ठीक है, जो बड़े पैमाने पर हम खा रहे होते हैं, तो वो स्लोली स्लोली जो है वो बॉडी की नीड को पूरा कर रहा होता है, इंस्टेंट जो है वो उसी टाइम पे हमें चाहिए होता है, जाहिर बात है, और जो स्लोली स्लोली है पूरी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, हमें डे टू डे जो है वो काम करवा रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर जो है बॉडी का मैनेज किया हुआ है, तो उसके लिए जो है हमें चाहिए। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो अल्टीमेटली सबसे पहला फंक्शन इसका एनर्जी प्रोडक्शन है, कि ये एनर्जी पैदा करता है बॉडी के अंदर, कि आप ये कह लें कि आपकी जो बॉडी की चार्जिंग है वो किसके थ्रू होगी, वो बॉडी की चार्जिंग कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू होगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की चार्जिंग नहीं है, आपका फोन जो है वो बंद है,
तो ये जैसे ही आपको मिलेगा आपको एनर्जी मिलेगी। और दूसरा ब्रेन फंक्शंस के लिए, क्योंकि जाहिर बात है पूरी बॉडी को तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन को जब फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको ग्लूकोज खास करके चाहिए, और बहुत खुश होता है ब्रेन मीठा खाने पे। आपको पता है शुगर्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा खुश होता है कि हाँ यार मुझे अच्छी जो है ना चीजें मिल रही हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। यानी अगर आप ये देखें जो चॉकलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, आपको पता है आजकल तो रिसर्च में बताते हैं कि चॉकलेट डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, काफी बीमारियों का इलाज है, तो उसमें जो है वो क्या है, वो ब्रेन को एनर्जी भी देता है, ब्रेन को शार्प भी करता है। तो जो ब्रेन के फंक्शन के लिए या आपकी इंटेलिजेंस के लिए जो जरूरत है उसमें कार्ब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी प्रोटीन। प्रोटीन भी हमें चाहिए जाहिर बात है, और प्रोटीन हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, प्रोटीन हमें बहुत ज्यादा चाहिए, कार्ब्स चाहिए और कार्ब्स के बाद हमें प्रोटीन्स भी जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में है, तो ये भी हमें ज्यादा चाहिए। तो ओवरऑल हम जितनी चीजें खा रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन का लेवल होता है। अब जैसे अगर मुझे प्रॉब्लम है, जैसे यूरिक एसिड का मैंने कहा, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए है कि मैं प्रोटीन खाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे प्रोटीन, जैसे ना अंडे आप देखते हैं जिम में लोग जाते हैं अंडे खाना स्टार्ट कर देते हैं, डाइट पर चले जाते हैं तो अंडों के अंडे जो है वो मीट खाना स्टार्ट कर दिया, इस तरह की बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच चीजें तो खैर मैं नहीं खाता, लेकिन जो है कुछ बॉडी के मसल्स को बिल्ड करने के लिए जाहिर बात है आपको पता है, क्योंकि बॉडी के मसल्स बिल्ड होंगे ही तब उनके अंदर स्टेमिना तब आएगा, एनर्जी तब आएगी जब आप प्रोटीन खा रहे हैं। और वो मसल्स, क्योंकि हमारे मसल्स पुराने जो है वो जाहिर बात है ये पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है, रीसाइक्लिंग का बॉडी के अंदर प्रोसेस है, पुराने जो सेल हैं वो मरते हैं, ठीक है, वो खत्म होते रहते हैं और नए जो है उसकी जगह बनते रहते हैं, तो प्रोटीन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये क्या है बेसिकली जो प्रोटीन है, अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन बॉडी के अंदर जो भी हम खाते हैं जिस तरह भी खाते हैं ये उसके बाद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है, और अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं लंबी लंबी चेन्स, यानी कि आप कह सकते हैं 100 तक जो है वो मॉलिक्यूल्स एक अमीनो एसिड के साथ चिपके हुए हो सकते हैं और ये चेन बनती है, ठीक है, जैसे चेन होती है ना उसी तरह से एक चेन पूरी की पूरी क्रिएट करता है। जैसे जैसे हम प्रोटीन खाते जाते हैं तो वो चेन के प्रोटीन इस तरह से बनते जाते हैं और अमीनो एसिड जो है उसके प्रोटीन होते हैं बेसिकली। तो प्रोटीन जब हम खाते हैं वो इम्यूनो एसिड बन जाता है, ठीक है, और ये लार्ज चेन्स की शक्ल में होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। और ये किस लिए जरूरी है, स्ट्रक्चर के लिए और बॉडी के फंक्शन और सेल के फंक्शन के लिए प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल की एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसमें आप देखते हैं हमारे पास यहां पे देखिए इस पिक्चर के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि भाई प्रोटीन्स कहां कहां से हासिल हो सकते हैं, तो उसमें प्लांट का सोर्स है हमारे पास बेसिक और एनिमल का सोर्स है, यानी दो तरह से हम प्रोटीन ले सकते हैं कि उसमें एक क्या है जो प्लांट सोर्स है तो उसमें बीन्स है हमारे पास, ठीक है जी, बाकी जो है पीस वगैरह है सोयाबीन्स है, तो इस तरह की जो चीज प्लांट से हासिल होती है उनके अंदर है, पल्सेस वगैरह के अंदर काफी ज्यादा जो है प्रोटीन्स होते हैं, जो हम दालें वगैरह खाते हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एनिमल फैट की बात करें तो उसमें जो है वो एग्स हो गया, ठीक है जी, पनीर वगैरह या फिश या मिल्क वगैरह हो गया, तो इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिम वाले लोग जो हैं वो चाहे मेल हो फीमेल हो वो इन चीजों पे काफी ज्यादा उनकी तवज्जो होती है कि भाई अब हमने जो है ना 12 बज गए तो अब हमने एग्स खाने हैं, अब हमने फिश खानी है, अब हमने मीट, क्योंकि उनको मसल्स बिल्ड करने होते हैं और ये वेट लॉस के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है, लेकिन प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट वैल्यूज के साथ, तब जो है मसला हल होता है। अब अगर हम प्रोटीन्स देखते हैं कुछ इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्यों जरूरी है, तो देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन फाउंडेशन है उसके लिए प्रोटीन जरूरी है, यानी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके लिए या ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए प्रोटीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन एक्चुअली में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के, ठीक है, जैसे एटम हम कहते हैं ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर की, तो बिल्कुल प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के। दूसरे हम देखते हैं ये हमारा इम्यून डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है हमें ताकत देता है उसके लिए प्रोटीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है अल्टीमेटली जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ब्लड का, तो वो सारे का सारा वो प्रोटीन उसको मैनेज करता है, ठीक है, और जो स्टोरेज होती है उसको भी प्रोटीन मैनेज करता है। अच्छा, हार्मोनल रेगुलेशंस जो है हमारी जितनी भी ये इंसुलिन वगैरह ब्लड के अंदर जो कम या हाई हो जाती है, जो बाकी हार्मोन्स वगैरह हमारी बॉडी जो है आपको पता है पैदा करती है, मुख्तलिफ फंक्शंस जो होते हैं हर हार्मोन जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उनको मैनेज जो है प्रोटीन करती है। इसी तरह से मेंटेन करती है बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस, यानी कि पानी का और ब्लड का जो लेवल है, जारी बात है पानी हर चीज में ही है बॉडी की जो भी चीज है, तो उसके अंदर बैलेंस बनाए रखने में प्रोटीन इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। इसी तरह से डाइवर्स डाइटरी सोर्सेज से ये हमें हासिल हो सकती है, जैसे हमने देखा कि जो फिश से हो सकती है, पोल्ट्री से हो सकती है, मीट से हो सकती है, ठीक है, प्लांट से इसी तरह से हो सकती है, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं नट्स से हो सकती है ये। और बैलेंस प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जब बैलेंस प्रोटीन का इंटेक नहीं होता तो फिर मेरे वाला हाल होता है और फिर आपको जो है वो यूरिक एसिड हो जाता है। खैर इसी वजह से ये नहीं होता, और भी रीजंस होते हैं, लेकिन ये भी एक बेसिक रीजन होता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर, वो है फैट्स।
कि हमारी बॉडी जो है उसको फैट्स या लिपिड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। और फैट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जाहिर बात है बॉडी की बैलेंस डाइट जब बनेगी तो बैलेंस डाइट के अंदर बैलेंस चीजें ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फैट जो है उसके बिना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, समझ रहे हैं। अब फैट बिल्कुल आप वैसे ही आप इसको समझ लें जैसे कि हमारी जो गाड़ी है उसके लिए, उसको फ्यूल करने के लिए क्या हमें चाहिए, ग्रीस वगैरह चाहिए होती है। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर जो है ऑयल वगैरह डालते हैं, तो वो सारा फैट है एक किस्म का। वो क्या कर रहा होता है, वो जॉइंट्स को, गाड़ी के इंजन को पूरे को उसको मुलायम करता है, और उसकी जो आवाजें आ रही होती हैं जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनमें कमी हो जाती है, जाहिर बात है उनके घुटने से उठते बैठते हुए जॉइंट्स से आवाजें आती हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा, अपने घर के अंदर भी आपके ये हालात होंगे, क्योंकि वहां पे फैट्स की कमी हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, तो जाहिर बात है जॉइंट्स में अब हड्डियां फिर आपस में टकराती हैं, फिर हड्डियों की आवाज आती है। तो जब वो फ्लूइड होगा वहां पर बॉडी के अंदर फैट मौजूद होंगे तो वो बहुत ही स्मूथ होगा। तो आपने मोटे बंदे की कभी भी आवाज नहीं सुनेंगे उसके घुटनों से आ रही है, खैर हो जाती है बड़ी एज के अंदर तो कमी हो जाती है गुड फैट्स की, लेकिन फैट ज्यादा खाने से भी प्रॉब्लम है। फिर आपको पता है आज के जमाने में हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हार्ट पेशेंट है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए और काफी ज्यादा मिकदार के अंदर चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काफी ज्यादा मिकदार के अंदर चाहिए। और इसके वाइटल सोर्सेज जो है वो हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से हम फैट्स जो है वो ले सकते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। और ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास दो तरह की जो है वो क्लासिफिकेशन आती है, एक है जी गुड फैट्स, ठीक है, दूसरा है बैड फैट्स। अब जो गुड फैट्स है अगर हम उसकी बात करते हैं तो गुड फैट्स वो हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल जो है या ऑयल जो है उसकी चिकनाहट उसको देता है, उसको स्मूथनेस देता है। इसी तरह से हमारा जो बेसिक सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसके लिए सबसे बेसिक चीज हमें जो है वो फैट चाहिए होती है, बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर खुद मैनेज करते हैं चीजों के। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा गुड फैट जो है चाहिए होता है ताकि हम इन चीजों को, ये बॉडी जो है वो आपस में स्मूथनेस इसकी रह सके और ये मैनेज हो सके। यही फर्क होता है एक बच्चे, एक जवान और एक बूढ़े में, कि वहां पे फैट की जो है ना वो कमी बेशी उसके हिसाब से ही जो है आप उनकी बॉडी के फंक्शन को देख रहे होते हैं। फिर बैड फैट्स होते हैं जो आजकल माशाल्लाह बहुत ज्यादा इन है, ठीक है जी, और इनके इन होने की वजह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और हम गुड फैट्स की तरफ तो खैर जाते नहीं है क्योंकि अब ये वैसे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। अब आपको पता है जितने भी गुड फैट्स हैं ये अब बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, इनको अफोर्ड करना हर एक के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन बैड फैट्स गो की कॉस्टली वो भी हैं, लेकिन वो छोटी मिकदार में हमें मिल भी जाते हैं। ये गए जी गली के नुक्कड़ से जाके बर्गर पकड़ के ले आए, ठीक है, रोज जो है वो फ्रेंच फ्राइज बनाई और मुंह के आगे चिप्स रखा, खास करके फीमेल जो है बहुत ज्यादा करती हैं, वो खाना स्टार्ट कर दिया, बर्गर खाने स्टार्ट कर दिए, कोल्ड ड्रिंक्स खास करके बहुत ज्यादा जो है आपको पता कितना नुकसान है उसका। तो ये बैड फैट्स हैं सारे के सारे। अब बैड फैट्स तो हमें नुकसान करते हैं, बीमारी देते हैं, तो इसका मतलब हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जब आप किसी नॉर्मल बंदे को कहेंगे ना यार तुम्हें फैट्स की जरूरत है तो वो इसको बहुत नेगेटिवली लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ फैट्स को नेगेटिवली ही लिया जाता है और हम ये समझते हैं कि फैट जो है वो मोटा है, मोटापे को कहते हैं, मोटा होने को कहते हैं, इसका मतलब हम मोटे ही होंगे, तो हम ये कैसे हो सकता है यार। तो आप किसी कमजोर को कहेंगे फैट की जरूरत है, वो कहेगा हाँ यार, वो ये समझेगा हाँ मुझे मोटा होने की जरूरत है। तो किसी हेल्दी बंदे को कहेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई, मैं तो पहले ही इतने ज्यादा फैट है, मैं तो इन्हें कम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा फैट का कॉन्सेप्ट सिर्फ जो बैड फैट है उसके ऊपर है, गुड फैट का हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम उसे हेल्दी तो समझते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि भाई वो जरूरी भी है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं ये जो फैट्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं, ये क्यों जरूरी हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या है जी, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, कि जो हमारे हार्मोन बन रहे होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए फैट जरूरी है, यानी पूरी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए अल्टीमेटली जरूरी होते हैं ना, ठीक है। उसमें हार्मोन अगर हम देखते हैं तो मेल के हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गए या जो वुमेन फीमेल्स के होते हैं एस्ट्रोजन वगैरह जो है उनकी जो, तो ये सारे के सारे जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। फिर हम देखते हैं जी एनर्जी स्टोरेज और प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। जो फैट है ये इसका सबसे बेसिक काम हम अगर समझते हैं ना तो वो यही समझते हैं कि एनर्जी की स्टोरेज। देखिए जो लोग मोटे होते हैं उनमें फैट ज्यादा स्टोर हुआ हुआ होता है, ऐसे ही है, और खास करके ये बेली के राउंड में जो है वो ये पहली निशानी होती है, तो वो यहां पे बेली के राउंड में क्या है जी, फैट जमा हो जाता है, क्योंकि जब हम खा रहे हैं मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो है, वो हजमा नहीं हो रहा उस तरह से, तो फैट्स यहां पे क्या है लेयर्स बनाते जा रहे हैं और अपने आप के अंदर जो है एनर्जी को मजीद स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये तो मोटापे से हटके भी बात करें तो बॉडी की मुख्तलिफ जगह जो होती है वहां पर आपको पता है कि फैट स्टोर होते हैं और वो फिर साथ साथ यूज होते हैं, जैसे जैसे जरूरत होती है तो वहां से रिलीज होते रहते हैं। अब जैसे रमजान में हम देखते हैं तो हम रमजान में क्या चीज देख रहे होते हैं कि फैट्स तो स्टोर है, सुबह हमने खाना खा लिया, अब पूरा दिन जो हमें भूख लग रही है
ठीक है, हमें कैलोरीज नहीं मिल रही, तो फिर वो हमारी नीड बॉडी की या ब्रेन की खास करके कैसे पूरी होगी? फिर वो जो फैट्स हैं बॉडी के अंदर, जो स्टोर फैट्स हैं, इनको लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो खुद से ही ये रिलीज होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब पतला होना है तो फिर आपको कम खाना है, ताकि बॉडी अपने ही फैट्स को यूज करे और अपना वेट लॉस करे। फिर हम देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसकी फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, जो यानी हम हमारा जो सेल का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, जैसे मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए एक जेली या एक फ्लूइड चाहिए होता है, चिकना फ्लूइड, ठीक है, वो इसकी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंसुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए चाहिए होता है। नॉर्मली आपने सुना होगा जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी थोड़ी कम लगती है और जो पतले होते हैं उनको ज्यादा लगती है, क्योंकि जो मोटे लोग हैं उनकी चर्बी ज्यादा है, जाहिर बात है फैट ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो फैट इंसुलेशन का काम करते हैं, जो बॉडी के अंदर हीट पैदा हो रही है उसको बाहर नहीं आने दे रही, लेकिन उन्हें गर्मी लगती भी ज्यादा है, ये भी है, ठीक है, तो वो बॉडी की हीट को जो है वो बॉडी के अंदर रखते हैं, आप कह लें एक किस्म का एटमॉस्फेयर का फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं कि आपकी बॉडी को जो हीट चाहिए होती है वो देते हैं, गो कि अगर फैट ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, जिससे बॉडी के अंदर मसले मसाइल पैदा होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं ये क्या करता है जी, ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, बॉडी को जो है मैनेज करने काम करता है, और फिर क्या करता है जी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हर ऑर्गन दूसरे से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो ये बफर जोन क्रिएट करते हैं, यानी एक उसके दूसरा ऑर्गन जो ऑर्गन है उसके बीच में क्या करता है, एक वॉल बना देता है, एक वॉल बना के फैट की एक लेयर बना देगा ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, जो उसकी हिफाजत होती रहे और वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो और इसी इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो फिर ये जो फैट हैं, कुछ फैट इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इनकी वजह से कुछ विटामिन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जैसे यहां पे हमारे पास है ए डी ई और के, ये वो विटामिन्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए इनको फैट चाहिए, ठीक है, यानी पानी के साथ ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब फैट होगा तो फैट की वजह से ये जो है एब्जॉर्ब होंगे, तो अल्टीमेटली वो हमें चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसका मतलब ये डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव हेल्थ जो है हमारी, उसके लिए हमें फैट्स चाहिए, ठीक है जी, ब्रेन का फंक्शन तभी बेहतर होगा जब जाहिर बात है फैट्स बॉडी के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर मौजूद होंगे, तभी वो बेहतर तरीके से जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव होगी, जिसमें आप अक्सर जो है एड वगैरह देखते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम लिया जाता है, कि ये ब्रेन की जो फंक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो भी ब्रेन की प्रोडक्ट लेते हैं अपने ब्रेन को तेज करने के लिए, और खास करके आप देखते हैं जैसे नट्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो है ये काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, क्योंकि फिर वो ब्रेन के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। फ्लेवर और पलेबिलिटी के लिए भी होते हैं, ठीक है, यानी एक तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज बगैर फैट के आप खाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ऑयल में तलें उसको खाएं तब की बात हो रही है, ठीक है, बल्कि आप फैट को खाते ही तब हैं, एक बिल्कुल खुश्क चीज हो तो आप उसको कैसे खाएंगे, ठीक है, जब उसका अपना कुछ ऑयल होगा, उसके अंदर अपना कुछ फैट होगा थोड़ा सा, तब भी आपको स्मूथली वो आपके गले से उतरेगी। तो कुछ लोग तो सुबह को होता है नाश्ते में जो है वो अच्छे खासे पराठे खाते हैं, उसके ऊपर जो है वो लगा के सही अच्छा सा ऑयल लगा के खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे गले से जो है वो खुश्क रोटी नहीं उतरती, तो फैट खा रहे होते हैं ताकि वो स्मूथली उतर जाए। इसी तरह से हम जो देखिए अपने खाने वगैरह पकाते हैं या बनाते हैं, तो हर चीज अपना खुद ही जो है ना, हर चीज का ऑयल निकलता है, देख रहे हैं ना, जिस जिस चीज का ऑयल निकलता है सारी बात है वो ऑयल फैट ही है उसका। आप आलमंड ले लें, बादाम लें, कुछ कुछ भी ले, आप उसको जो है ना क्रश करेंगे तो उसका ऑयल निकलेगा, तो उसके फैट्स हैं जो उसको थोड़ा सा उसका टेस्ट भी बढ़ाते हैं। इसी तरह से पैलेबिलिटी ये है कि प्लेजर मूवमेंट हमें थोड़ी सी देते हैं, यानी हमें अच्छा महसूस करवाते हैं, हाँ यार मजे का है, उसकी लुक भी देखें, जिस खाने में ऑयल ज्यादा होता है ना हम उसे अक्सर बड़े मजे से देखते हैं कि हाँ यार वो बड़े मजे का है, गो कि हम ये कह रहे होते हैं हम नहीं खाते, लेकिन अगर वो न डला हुआ हो, बहुत कम ऑयल हो जैसे बड़े लोग खाते हैं जो बीमार लोग होते हैं, तो वो हमें कभी पसंद नहीं आएगा। तो ये बाहर के खाने हमें पसंदीदा बातें हैं, इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट आप समझ लें फैट की होती है। और इसी के साथ साथ जो है वो डाइटरी सोर्सेज जो है फैट्स की, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ जैसे सोर्सेज से हो सकते हैं, ठीक है, एवोकाडो है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल है, हर चीज के अंदर तकरीबन जो है मौजूद होता है, तो किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर जो है कम है। और बैलेंस फैट इनटेक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज ही बहुत ज्यादा जरूरी है, खैर कि हमें उसे बैलेंस लेना है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसका बैलेंस नहीं रखेंगे तो इसका सीधा जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के साथ होगा, क्योंकि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जाहिर बात है फैट है ना, तो फैट जब उसे ब्लॉक करेगा और वो जब पंप करेगा, वो जब प्रेशर मारेगा, तो आगे तो फैट स्टोर किया हुआ है,
ठीक है, उसने जो हमारी जो नालियां हैं खून की उसको तंग कर दिया। अब जब उसको तंग कर दिया तो ब्लड को प्रेशर मिल रहा है, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर बीपी का प्रॉब्लम आ जाएगा उस बंदे के लिए, ठीक है, उसका बीपी एकदम से हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिल जो है उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है ब्लड को पंप करने के लिए। दूसरा, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है जी, हार्ट का प्रॉब्लम यानी कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, जाहिर बात है, तो उससे क्या होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा और वो जो है वो बंदा बस फिर किसी काम का नहीं है। एक दो हार्ट अटैक आए तो उसके बाद कहेंगे जी इसका दिल ही बंद हो गया, फिर या फिर आपको पता है फिर जाके ऑपरेशन वगैरह करवा के तो स्टंट वगैरह डलवाते हैं, फिर वो जो है ना ट्यूब वगैरह डलवाएंगे उसको साफ करके, तो वहां पे उसको मस्नूई तरीके से फिर उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये फिर अगर बैलेंस इनटेक नहीं होगा तो फिर ये बहुत सी बीमारियां जो हैं उन बीमारियों का रीजन भी बनते हैं। तो इसलिए बैलेंस इनटेक इनका बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि शायद आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे पास थे जी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को बड़े पैमाने पे चाहिए थे। अब उनकी बात करते हैं जो हमारी बॉडी को छोटे पैमाने पे चाहिए लेकिन चाहिए हैं, ठीक है, जिनकी अमाउंट हमें उतनी नहीं चाहिए जितनी हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की चाहिए थी, जितनी कार्ब्स की, जितनी प्रोटीन्स की या जितनी लिपिड्स या फैट्स की चाहिए थी उतनी इनकी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चाहिए। वो हमारे पास है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन और मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल्स दोनों ही जो है हमें कम क्वांटिटी के अंदर ये होते हैं और ये कम क्वांटिटी ही हमारी बॉडी की नीड को पूरा कर रही होती है। ये जहां जहां जिस जिस लेवल की हमें डेफिशिएंसी होती है, विटामिन जाहिर बात है उस डेफिशिएंसी को और मिनरल्स पूरा करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है विटामिन, यहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जो कम मिकदार में चाहिए। अब अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है जी, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी को काम करने के लिए जो है विटामिन्स की जरूरत होती है, और डिफरेंट विटामिन्स जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्शंस प्ले करते हैं। हर विटामिन का बॉडी के अंदर रोल डिफरेंट है, कोई दो दो तीन तीन रोल प्ले कर रहा है, कोई सिर्फ एक ही रोल प्ले करेगा, तो हर विटामिन अपने हिसाब से अपना रोल प्ले करेगा। यानी विटामिन्स आप कह लें बॉडी एक पूरी की पूरी आप कह लें एक मशीनरी, एक फैक्ट्री है, ठीक है, और ये जो विटामिन्स हैं ये इसके वर्कर्स हैं, कि ये वर्कर्स सप्लाई कर रहे हैं जहां जहां पे जो चीज चाहिए, जहां विटामिन के की जरूरत है वहां पे उन्होंने जो है वो रेडी के अंदर रखा और वहां पे उसको जाके छोड़ दिया और वो विटामिन के की कमी वहां पे पूरी हो रही है। जहां पे विटामिन बी है, जहां पे विटामिन B12, जिस चीज की कमी है वहां पे उसको पूरा कर रहे हैं। उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशंस देखते हैं विटामिन्स की, तो बेसिकली दो मेजर टाइप के हमारे पास क्लासिफिकेशंस आती हैं। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि पानी के साथ जो है वो हजम हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिनको हजम होने के लिए, फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, जो हम डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी जो है ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत से विटामिन शामिल है, और विटामिन सी, ये दो ऐसे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप कह लें और विटामिन सी, ये दो ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, और ये बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मली स्टोर भी नहीं होते और ये जो है हमें ज्यादा भी चाहिए होते हैं। विटामिन B1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे के सारे। सी जो है वो स्टोर बॉडी के अंदर नहीं होता, हमें जितना चाहिए होगा वो हमें मिलेगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, बॉडी से यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाएंगे। तो जो हमें चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं, जिस जिस जगह तक पहुंचने होते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस होने के बाद, और उसके बाद जो है जो नहीं चाहिए वो सारे के सारे जो है यूरिन से चले जाते हैं बाहर, ठीक है, आउट हो जाते हैं। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे वाटर सॉल्युबल, और विटामिन सी खुद जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ये कहां कहां से हमें मिलेंगे, ये फ्रूट से मिलेंगे, वेजिटेबल से मिलेंगे, होल ग्रेन्स वगैरह से हमें जो है वो मिलेंगे, ठीक है, और ये ब्लड के अंदर जाके काम करें, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो जाहिर बात है ब्लड के अंदर या जो बॉडी के वाटर के लेवल्स हैं उनके अंदर जाके ये जो है वो अपना काम करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर फैट सॉल्युबल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ए, ई, डी और के विटामिंस हैं, ये सारे फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है, फैट्स जो है इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तब भी जो है इनकी सॉल्युबिलिटी होगी और तब भी ये बॉडी को जो है वो अपना फंक्शन देंगे और तब ही ये बॉडी को उस जगह तक पहुंचे जहां पे इनकी कमी है। अब ये किसके अंदर होते हैं, अब ये देखते हैं फिश के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर जो है ये होते हैं, और फैटी टिश्यूज अपने अंदर इनको स्टोर भी करते हैं, ये हम खाते जाएंगे ये स्टोर होते जाएंगे, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल है वो स्टोर तो नहीं होंगे लेकिन ये स्टोर हो जाते हैं, और फिर जो है ना ये देखते हैं हम कि यही हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, फायदा भी यही दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ही जरूरी है। की फंक्शंस ऑफ विटामिंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या की फंक्शंस हैं, अब डिफरेंट विटामिंस का डिफरेंट रोल है और वो डिफरेंट रोल्स हमारी बॉडी को चाहिए, बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है,
तो अब यहां पे हमारे पास विटामिन ए है, रेटिनल जो है ये किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वीएन के लिए, आंखों के लिए हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो नजर है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है या लिंक जो है वो किससे है जी, विटामिन ई से है, इम्यून फंक्शन से है और स्किन की हेल्थ से है। ठीक है, अब जैसे इसमें खास करके आजकल आप देख रहे हैं गाजर की बात की जाती है, गाजर खाएं भाई, अपना स्किन जो है उसको ग्लो करवाएं, ठीक है, और अपनी जो आंखें हैं उसकी नजर तेज करें, तो उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेट के अंदर है, स्वीट पोटैटोस के अंदर है, लीफी ग्रीन्स के अंदर है और लिवर के अंदर है, तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन ए मौजूद है और ये किसके लिए जरूरी है, वीएन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और स्किन की हेल्थ के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये तकरीबन बहुत से फंक्शंस करता है, ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले जो है वो मेटाबॉलिज्म की एनर्जी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो हमारा हाजमे का सारा निजाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना ये जो हाजमे का निजाम है ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह से जो नर्व फंक्शंस हैं उनके लिए चाहिए, रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स चाहिए। इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, एग है और लीफी ग्रीन्स, ये इसके सोर्सेज है। सॉरी, अच्छा उसके बाद हमारे पास विटामिन सी है। ठीक है जी, विटामिन सी जो है ये बहुत ज्यादा जो प्रमोट करता है कोलेजन सिंथेसिस को। अब कोलेजन सिंथेसिस का मतलब क्या है, जो चीजें कोलाइड कर रही हैं, यानी ये बॉडी की कनेक्टिविटी जो है, बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसकी कनेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं बॉडी का सीमेंट, आप इसको कह सकते हैं, जैसे सीमेंट जोड़ता है ना दो तीन चीजों को, बजरी रेत वगैरह डाल के ईंटें वगैरह लगाते हैं, तो सीमेंट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्टिविटी का। इसी तरह से ये जो विटामिन सी है ये कोलेजन का रोल प्ले करता है और चीजों को, हमारे जॉइंट्स को, हमारे टिश्यूज को आपस में जोड़ रहा होता है। तो विटामिन सी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट हमारे पास स्टोर भी नहीं हो सकती, तो हमें जितना चाहिए उतना ही हम लेंगे, उसके बाद जो है चाहे हम जो है वो पूरे का पूरा, आप कह सकते हैं कि वो एक होता है ना वो लंबी सी जिसके अंदर माल्टे आ रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जिसके अंदर माल्टे काफी ज्यादा आते हैं, तो खैर वो लंबी सी अगर हम पूरी भी रख भी लेना अपने पास, तो उसको रख के हम खाना स्टार्ट कर देंगे, विटामिन सी हम खाएंगे तो हमारी स्किन ग्लो होगी, तो हम बहुत प्यारे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें जितना जरूरत होगा बॉडी उतना लेगी, उसके बाद बाकी बॉडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वॉन्ड की हीलिंग के लिए और इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देता है विटामिन सी। और ये किसके अंदर होता है जी, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं हमारे उसके लिए होता है, जैसे माल्टा हो गया, लींबू हो गया, ठीक है, या बाकी सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स हैं उनके लिए बहुत, उनमें होता है, बेरीज के अंदर होता है, टोमेटोज के अंदर होता है, ठीक है, और बेल पेपर्स के अंदर होता है, बेल पेपर्स शिमला मिर्च, ठीक है जी, शिमला मिर्च उसके अंदर ये होता है, या दूसरी मिर्च जो है नॉर्मल मिर्च उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। फिर है जी विटामिन डी जो है हमारे पास, विटामिन डी हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किस लिए है, हमारी हड्डियों के लिए, यानी हमारी बोन्स को जो है स्ट्रेंथ जो चीज देती है और बोन्स का स्ट्रक्चर जो बनाती है उसको मजबूती देती है, वो विटामिन डी है, जो आज सबसे कम हो गया तकरीबन हर बंदे में। आप देखेंगे गांव देहातों को छोड़ के शहर के अंदर हर बंदे में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी जाहिर बात अब धूप का जो एक्सपोजर है बहुत कम हो गया लोगों का, और उस टाइम पे अगर वैसे भी है तो लोग आपको पता है सुबह के टाइम पे सो रहे होते हैं, वो वहीं से वही सुबह का जो धूप है वही हमें जो है विटामिन डी दे सकती है। तो वो कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये सनलाइट से जो है वो हमें मिलता है, इसके अलावा बाकी सोर्सेज भी हैं, लेकिन जाहिर बात अब ये हम क्योंकि धूप पे जाते नहीं है, स्किन खराब होती है हमारी, आपको पता है अब जो है ना, तो फिर वो मसले मसाइल होते हैं, और ये फिश के अंदर और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एग वगैरह इसके अंदर विटामिन डी अब हमें मिलता है। फिर विटामिन ई हमारे पास, विटामिन ई जो है वो एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। ठीक है, अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जितने हार्मफुल चीजें हैं जो बाहर से दाखिल हो रही हैं या जो अंदर से ही कहीं ना कहीं फंक्शन होकर बन रही हैं, ठीक है, उनको जो है ये क्या करता है जी, उनके ऊपर असर करता है और उनका असर जायल करता है, उनको न्यूट्रल कर देता है। तो जो डैमेज सेल्स होते हैं उनके लिए काम करता है विटामिन ई, और ये नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर और लीफी ग्रीन्स के अंदर ये मौजूद होता है। फिर है हमारे पास विटामिन के। ठीक है जी, विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसके लिए, जो ब्लड की क्लॉटिंग है, यानी जो खून हमारा जो बना हुआ है, एक तो क्लॉटिंग तो खतरनाक भी है जाहिर बात है, एक नॉर्मल जो है जाहिर बात है चाहिए होती है, अगर इसकी थिकनेस ना हो तो फिर ब्लड तो पानी एक ही हो गया, वो जैसे आप सुनते अक्सर मॉनसून के महीने में वो पाकिस्तान में है कि भाई खून और पानी एक हो जाता है, अक्सर आपने सुना होगा, तो कहा जाता है भाई कि खुद को बचा के रखो क्योंकि ब्लड बहुत थिन हो जाता है पतला, तो हमें थिक ब्लड चाहिए, तो यहां पे उसके लिए भी काम करता है और बोन के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है खास करके उनके अंदर, और ये जो पालक वगैरह होती है वो विटामिन के से बहुत रिच होती है। ठीक है, तो पालक खाएं, और सब्जियों में आपको पता है साग मोस्ट फेवरेट पाकिस्तान के हर घर में, और कुछ मिले ना मिले सर्दियों में आपको जो है साग जरूर मिलेगा, तो विटामिन के की कमी आपको सर्दियों में नहीं होने लगी, यहां पे फिक्र ना करें।
अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस विटामिन इनटेक, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जाहिर बात है अब बैलेंस इनटेक होगा तब भी फायदा देगा, अदरवाइज तो नुकसान है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या है जी, प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेस, कि ये क्या करेगा, जितनी भी डिफिशियंसी डिजीजेस हैं, जो बॉडी के अंदर कमियां हैं जिस जिस लेवल की या जिस जिस विटामिन की, उनको पूरा करेंगे ये विटामिन जब हम इनटेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा है सेलुलर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, के मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, जो हजम होगा और पूरी बॉडी को सप्लाई चेन जाएगा ना, यानी हजम ही नहीं होगा तो बात आगे बॉडी का फंक्शन कैसे होगा, और ये जो हम खा रहे हैं वो सारा फिर फजूल है, समझ रहे हैं। और इसी तरह से जो सेल का फंक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोलैबोरेटिव एक्शन जो है, मिलके जो चीजें आपस में काम कर रही होती है, बॉडी के अंदर फंक्शंस कर रही होती हैं मिलके, जाहिर बात है कोलैबोरेशन होती है, अकेले तो नहीं होता सारा काम, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जी, वो है हमारे पास मिनरल्स, ठीक है। अब मिनरल्स जो है वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक जो है वो एलिमेंट है, और इनऑर्गेनिक चीजें भी बॉडी को चाहिए होती हैं, वो कि ऑर्गेनिक के अंदर से ही निकल रही होती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो मिनरल्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, मिनरल्स कहां से निकल रहे होते हैं, पहाड़ों के अंदर से, जमीन के अंदर से, तो वो मिनरल्स भी हमारी बॉडी को किसी ना किसी तौर पर चाहिए होते हैं, वही होते हैं, ठीक है। वहां पर लार्ज क्वांटिटीज के अंदर है, यहां पर कम कम होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स या वो मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और बहुत सी चीजों के अंदर ये हकीमी फक्कियों के अंदर मिनरल्स डाल के देते हैं, आपको पता है। तो मिनरल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये स्मॉल पोर्शन के अंदर चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए हैं बॉडी को फंक्शन करने के लिए, और पूरी बॉडी को एक शेप दे के उसको अपने अंदर जो है वो काम करवाने के लिए, जो है ना आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला काम ये कर रहे होते हैं मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि खुद इनके चार्जेस होते हैं, जाहिर बात है। हमने जैसे दो दिन पहले जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि जो मिनरल्स हैं, जाहिर बात है ये सारे के सारे क्या है, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब बॉडी के अंदर भी चार्जेस मौजूद होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बॉडी के अंदर भी चार्ज होता है। तो अब जैसे कहा जाता है एक नॉर्मल बंदा जो है पता नहीं 2 के 2.5 बल्ब जो है जला सकता है, उसके अंदर इतना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये जो बॉडी के चार्जेस हैं जो मेंटेन हो रहे होते हैं, कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं नेगेटिव चार्ज, और ये फ्लो बन रहा होता है, ये मिनरल्स के थ्रू हो रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अगर हम देखते हैं बेसिक क्लासिफिकेशंस मिनरल की देखते हैं, तो दो ग्रुप्स हमें मिनरल्स के जो है वो बेसिक देखने को मिलते हैं, एक है मैक्रो मिनरल्स, ठीक है, और दूसरे हैं माइक्रो मिनरल्स। अब ये जो मैक्रो मिनरल्स हैं ये थोड़े से बड़े पैमाने पे थोड़े ज्यादा बॉडी को चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो मिनरल्स हैं ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बॉडी को चाहिए होते हैं। अब अगर मैक्रो मिनरल्स की बात करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, सल्फर है, ये हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए, ऐसा ही है, ये बॉडी की नीड ज्यादा है। वहीं पे अगर हम देखते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो वो हमें कम चाहिए, माइक्रो मिनरल्स वो कम चाहिए, और ये स्मॉलर अमाउंट्स के अंदर होते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये हमें कम अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, और बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस कर देते हैं। ये दोनों का होना ही जरूरी है। की फंक्शंस ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं, तो कैल्शियम जो है, अगर उसकी बात करें तो कैल्शियम क्या करता है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है दांत के लिए कैल्शियम, हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्डेस्ट बोन इन द बॉडी वो क्या है, वो हमारे दांत ही हैं, ठीक है। तो दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी हमारी हड्डियों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है कैल्शियम जो है, और आपको पता है दूध वगैरह जो है इसका या डेयरी प्रोडक्ट्स इसके लिए काफी ज्यादा जो है वो उसमें हेल्दी अमाउंट में पाया जाता है। इसी तरह से आयरन है, वो हमारे होमोग्लोबिन जो है उसके लिए, जो रेड ब्लड सेल्स है उसके लिए बहुत ज्यादा होता है, जैसे फोलिक एसिड आपको पता है वो लड़कियों में कमी होती है, उनको देते हैं अक्सर डॉक्टर्स के फोलिक एसिड खाएं, तो फोलिक एसिड वो खा रही होती हैं, तो वो अपना जो है वो आयरन मैनेज कर रही होती हैं। लड़कों में अल्हम्दुलिल्लाह आयरन की कमी नहीं होती, वो काफी जो है अच्छे होते हैं, रेड मीट के अंदर होता है, बीन्स के अंदर होता है, और कुछ फोर्टिफाइड फ्रूट्स जो है वो सीरियल्स वगैरह उनके अंदर होता है जिनके अंदर अमाउंट ज्यादा होती है। जिंक इसके अलावा जरूरत है जी, जिंक जो है इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी जो हमारे विटामिंस हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डीएनए का सिंथेसिस जो है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा जख्म वगैरह है उसकी हीलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंक। तो जिसका जो जख्म है वो देर से हील हो रहा हो तो समझ जाएं आपको जिंक की डेफिशिएंसी है, तो फौरन से पहले जिंक खाएं। जिंक के लिए क्या खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, अच्छा जी डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, और नट्स वगैरह जो है ये खाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशियम जी, मैग्नीशियम जो है वो मसल्स और नर्व्स का जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करता है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेटाबॉलिज्म की एनर्जी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नट्स के अंदर है, सीड्स के अंदर है, होल ग्रेन्स और लीफी जो है जो प्लांट्स उनके अंदर मौजूद है। फिर है पोटाशियम हमारे पास, पोटाशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है, जो ब्लड है, जो वाटर वगैरह है, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस सिस्टम को जो है पोटाशियम बहुत अच्छे से हैंडल करता है,
ठीक है, और मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह है इसको मैनेज करता है। तो ये बनाना के अंदर और ऑरेंजेस के अंदर और पोटैटोज के अंदर और टोमेटोज के अंदर होता है सबसे ज्यादा। यानी आपको कहा जाता है कि पोटाशियम रिच आपने खाना है तो आपको बनाना खाने चाहिए ताकि आप जो है वो आपका बॉडी का फंक्शन बेहतर हो और आपके पोटाशियम जो है उसका इंटेक आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, तो केले जो है वो खाएं अगर आप में पोटाशियम की कमी है तो। आयोडीन है उसके बाद जी, ये थायराइड जो ग्लैंड है हमारा उसके लिए आपको पता है बहुत, उस हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो है वो बॉडी का फंक्शन बेहतर करता है। और ये भी लड़कियों में ही आपको पता है ज्यादा कमी होती है, अक्सर उनको जो है ना फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं थायराइड के, तो काफी ज्यादा जो है मसला मसाइल बनाते हैं ये। तो इसलिए ये सॉल्ट जो है वो खाएं या सी फूड जो है जिसके अंदर नमक ज्यादा होता है, सी फूड्स के अंदर जाहिर बात है नमकियात में पलती हैं चीजें, तो वो खाएं तो उससे आपकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस मिनरल इनटेक ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक ये भी फायदा नहीं देंगे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंस क्या है, बोन हेल्थ और स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है जी, मिनरल्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हमने कहा चार्जेस वगैरह जो बॉडी के अंदर पूरे करने होते हैं। अब देखिए जो बच्चे होते हैं ना उसके अंदर, उनके अंदर 6 वोल्ट करंट होता है पूरे का पूरा, ठीक है, जो बच्चे हैं आपको वो कभी सुकून से नहीं मिलेंगे, बच्चे इधर से उधर उधर से उधर, आप हैरान होंगे कि बच्चा पूरा दिन भाग 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 के थकता ही नहीं है। जो थोड़े छोटे बच्चे हैं वो तो खैर आप कहेंगे कि यार ये बहुत थक गए सो गए, लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो आप देखते हैं तो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का लेवल होता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर करंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बढ़ते जाते हैं तो वो करंट कम होता जाता है, जाहिर बात है चीजों की डेफिशिएंसी होती है तो करंट कम होता है। तो एक बूढ़ा बंदा उस बेचारे के अंदर बिल्कुल करंट नहीं होता कि वो अपनी चेयर भी जो है वो चेंज कर सके या खुद उठ भी सके, करवट भी ले सके, तो बिल्कुल करंट जो है ये एनर्जी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपकी चुस्ती और चलाकी और तवानाई के लिए, चलाकी तो खैर ना कि चुस्ती के लिए, ठीक है जी। और ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो मिनरल जरूरी होते हैं बॉडी को, जहां जहां चाहिए होता है, और क्या होता है ब्लड को साफ करने के लिए जाहिर बात है ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है जी, और इनका जो डेफिशिएंसी है उससे भी बचना चाहिए और उनके एक्सेस से भी बचना चाहिए। यानी अगर किसी भी चीज की ज्यादती होगी तो जाहिर बात है तब भी वो नुकसान है उसका, ठीक है, और अगर किसी भी चीज की कमी होगी तो तब भी वो नुकसान है, वो डेफिशिएंसी की शक्ल नुकसान आएगा, तो दोनों कंडीशन के अंदर जो है वो नुकसान है। तो इसलिए बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे पास सारे का सारा बैलेंस डाइट थी। अब इस बैलेंस डाइट से ही और बाकी चीजों से कुछ जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स जो है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि देखिए ये सारा जितना कुछ हम ले रहे हैं, हमने कहा भाई आप विटामिंस खाएं, मैक्रो जो है वो खाएं, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाएं, तो हम ये जो 5-6 चीजें ले रहे हैं, अब ये सारी चीजें बॉडी में कैसे फंक्शन करेंगी, किस तरह से बेहतर फंक्शन करेंगी और कैसे ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसके लिए एंजाइम्स हमें जरूरी होते हैं, ठीक है जी। अब एंजाइम्स भी एक्चुअली में होते प्रोटीन ही है, लेकिन ये प्रोटीन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं और ये बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको फास्ट करते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा ही नहीं, या बहुत स्लो, तो क्या होगा ही नहीं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, जैसे मैंने कहा कि जब आपका जो स्टमक है, जो आप खा रहे हैं सारे का सारा और आपके स्टमक में जा रहा है, वहां से इसको क्या चाहिए। अब देखिए स्टमक एक फैक्ट्री है ना, ठीक है, अब एक बिल्कुल रॉ मटेरियल सारे का सारा जो है वो स्टमक के अंदर आ रहा है आपकी, ठीक है जी, आपके मुंह से स्टमक के अंदर आया, अब स्टमक उसके ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब डाइजेस्ट करके क्या करेगा, दो काम करेगा वो, एक तो ये कि जो रॉ है जो सब कुछ डाइजेस्ट करके उसने निकाल दिया उसको तो छोड़ देगा वो, ठीक है, और वो जो है वो इंटेस्टाइन में भेज देगा। इसी तरह से जो काम की चीजें हैं, जो विटामिंस हैं, जो मिनरल्स हैं, क्योंकि अब कैसे जो है हम एक चीज ले रहे हैं तो वो आगे से कहीं ना कहीं तो आगे होगी ना, स्क्रूटनाइज होगी, तो वो जो स्क्रूटनाइज होगी यहां से फिर जो है ये सारा प्रोसेस आगे, ये यहां, ये यहां, ये यहां, तो फिर उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा फंक्शन तब भी होगा जब ये जो मेटाबॉलिज्म है हमारा ये स्ट्रांग होगा, और उसके लिए एंजाइम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, खुद शामिल नहीं होते लेकिन ये हेल्प करते हैं हमारी जो है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, और उसको हेल्प करते हैं यानी कि चीजों को तोड़ फोड़ में, उसके ब्रेक डाउन में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं हमारे, और ये केमिकल रिएक्शंस पैदा हो रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है स्टमक आपको पता है फिर ये केमिकल डाइजेशन होती है। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो देखिए एक एंजाइम है और कोई भी जो है वो स्टार्टरी है, कोई भी चीज है जिसके साथ उसने शामिल होना है, अब वो आएगा इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है, या ये अपना इनपुट उसके अंदर शामिल करेगा, केमिकल शामिल करेगा, उसके बाद जो है प्रोडक्ट बना देगा, जो भी उसमें से चाहिए वो चीज चाहिए, जो विटामिन चाहिए उसको अलग अलग हो जाएगा, चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं।
अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एंजाइम्स की, तो ये कैटलिस्ट एक्टिविटी है, यानी ये दूसरों के साथ शामिल होकर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर केमिकल रिएक्शंस पैदा करते हैं, जिससे जो है वो चीजें जो है वो बेहतर होती है, ये पूरे पूरा प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में जो हमारा हमारी जो एनर्जी लगनी थी उस एनर्जी को कम करते हैं या मैनेज करने में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बंदा अगर एंजाइम को हम हटाते हैं साइड पे, तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपकी कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर आप गाड़ी पे बैठते हैं तो आप गाड़ी जो है ना खुद चलाएगी, आपको आसान है ना, तो इसका मतलब ये एंजाइम गाड़ी है कि एंजाइम जो है वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, केमिकल प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपका ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये सारा फास्ट हो जाएगा और आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी होती है इसके अंदर, यानी स्पेसिफाई करेगा कि हाई है लो है, किस पे चाहिए, कहां कितना चाहिए, एक ही जैसा हिसाब किताब नहीं होता, डिफरेंट जो है वो जिसको जितना चाहिए जाहिर बात है उतना ही जो है वो ये देगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रीयूजेबिलिटी होती है, ये बार बार यूज होते हैं क्योंकि ये खुद जो है वो यूज नहीं होते, ठीक है, खुद सिर्फ अपनी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दे रहे होते हैं, तो ये बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इनका सबसे बड़ा फायदा है। टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिविटी जो है उसको मैनेज करते हैं, पीएच यानी एसिडिटी या बेस जो है उसको बॉडी के अंदर जाहिर बात है एक लेवल चाहिए होता है हर चीज का बॉडी के अंदर, तो उसको मैनेज करते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं एंजाइम, ठीक है जी। सेलुलर ग्रोथ जो है या उसकी रिपेयर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की ग्रोथ उसकी रिपेयरिंग के अंदर, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डीऑक्सीफिकेशन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुख्तलिफ जो है उनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे डीएनए पॉलीमर्स है, ये डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए जो है वो काम करता है, वहां पे हेल्प करता है। इसी तरह से एम्प्लेस है जी, ये क्या करता है, ये कैटलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को और शुगर बना देता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे के सारे वो थे जो हमने देखे फूड से जो है वो हमारी डाइजेशन या हमारी जो बैलेंस डाइट है उससे लिंक कर रहे थे। अब कुछ मजीद चीजें हैं उसमें अगर हम देखते हैं, तो यहां पे आप कह ले इस चैप्टर का जो है वो पार्ट टू है ये, ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट टू है। अब यहां पे उसमें हमारे पास आता है जी न्यूट्रेंट बायो अवेलेबिलिटी। अब न्यूट्रेंट बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि देखिए हम इतनी सारी चीजें खाते हैं, एक बंदे ने माल्टे खाए, सेब खाए, केले खाए, फ्रूट्स खाए यानी नट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, मीट खाया, सब खाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या जितना उसने खाया उसको उतना ही मिला, ठीक है, क्या उतना ही मिला या जितनी डेफिशिएंसी थी उसने खाया और वो सारी डेफिशिएंसी पूरी हो गई। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम कहते हैं कि हमें देखना होगा कि न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे, विटामिंस हैं, कार्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, ये कितना हमारी बॉडी को पहुंचे हैं, कितना नहीं पहुंचे, कौन कौन से फैक्टर्स ने इन्हें अफेक्ट किया, कौन से नहीं किया, ठीक है, और कैसे पहुंच रहे हैं, ये सारे की सारी जो बातचीत है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी है। तो न्यूट्रिएंट जो है ये फूड के अंदर जाहिर बात है एब्जॉर्ब होते हैं और फिर उसके बाद यूटिलाइज होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, फूड के अंदर एब्जॉर्ब होकर फिर क्या करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन अब बॉडी के अंदर उनकी सारी मिकदार जितनी हमें चाहिए होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, वो डिफरेंट होती है, वो वेरी करती है कुछ कंडीशंस के ऊपर। अब जाहिर बात है एक बूढ़ा बंदा जो है जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है, आप उस बंदे को अगर मीट खिलवाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये इसको बहुत फायदा देगी, ऐसा ही है, और वहीं पे एक 40-20 साल के बंदे को खिलाएंगे तो बहुत फायदा किसको देगी, जाहिर बात है 20 साल वाले को, क्योंकि ये स्ट्रांग है, इसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, ये जल्दी से जो है वो इसका सारा प्रोसेस होगा, लेकिन वो जो 50 साल का बंदा है वो बेचारा वहीं पर देखता रहेगा। इसी तरह से अगर 20 साल का भी है, अगर उसका जो स्टमक इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो जाहिर बात है बायो अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं हो पाएगी, तो बहुत से फैक्टर्स जो है। इसी तरह से फिर कुछ चीजें कुछ चीजों के साथ लेनी चाहिए, कुछ नहीं लेनी चाहिए, और ये अक्सर आप डिबेट सुन रहे होते हैं, जैसे आपको कहा जाता है स्टॉप, अगर आप ये काम करते हैं तो ऐसा ना करें, क्या अगर आप जो है वो कोई मेडिसिन लेते हैं ऊपर से चाय पीते हैं तो ऐसा ना करें, वरना आपको कोई फायदा नहीं होने लगा, देखते हैं अक्सर ना, तो वो कहते हैं भाई ऐसा ना करें कि चाय के साथ जो है वो विटामिंस या इस तरह की कोई चीजें नहीं लेनी चाहिए, वरना उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, यानी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो उनकी कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। फिर इसके साथ कहा जाता है कि भाई फलां जो मेडिसिन है इसको दूध के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि ये उसकी अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन को बहुत बेहतर कर देती है। तो ये बायो अवेलेबिलिटी है जो कुछ फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। अब जैसे ग्लूकोज बॉडी का एक बहुत ही मेन फंक्शन है, जो ग्रोथ जो है फैक्टर है, ठीक है जी, इंसुलिन ग्लूकोज फैक्टर है, यहां पे अगर हम देखते हैं इसको, तो देखिए ये बॉडी के मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स को चाहिए होता है। अब ये ब्रेन को भी चाहिए जाहिर बात है, ये हार्ट को भी चाहिए, ये हमारे मसल्स को भी चाहिए, हमारी बोन को भी चाहिए, ठीक है जी, बच्चे के लिए भी ये चाहिए, लंग्स के लिए, हर चीज के लिए चाहिए। तो फिर ये बायो अवेलेबिलिटी जो है ये क्या ये सारे के सारे इनको पूरा करेगी, क्या इनकी सबकी डिमांड्स को पूरा करेगी, यानी कि अब जैसे विटामिंस हैं, अब वो बॉडी की किसी एक चीज को तो नहीं
चाहिए ना, विटामिन ए है। अब विटामिन ए हम कहते हैं आंखों के लिए, क्या सिर्फ आंखों के लिए है? ऐसा तो नहीं है। तो जहां जहां उसकी जरूरत है वहां वहां उसको पहुंचाना है। और क्या उसकी उतनी इंटेक होगी, क्या वो उतना उस लेवल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो इसको हम कहते हैं ये बायो न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी है। उसके अगर हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है, कि वो क्या है, उसमें सबसे पहले चीज है जी न्यूट्रिएंट फॉर्म, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक्चुअली में उनकी फॉर्म क्या है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, किस फॉर्म के अंदर है। क्योंकि ऑर्गेनिक है तो जाहिर बात है उनकी जो सोलेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी, इनऑर्गेनिक है तो डिफरेंट होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की हम बात करें कि न्यूट्रिएंट कौन सा किसके साथ मिल रहा है, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजों के साथ कुछ चीजें बेहतर तरीके से फंक्शन नहीं करती, ऐसे ही है, लेकिन जैसे कुछ चीजें कुछ के साथ बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे कुछ जो दूध की प्रोडक्ट्स हैं वो कैल्शियम के साथ, अगर कैल्शियम भी आप लेंगे तो ज्यादा फायदा देंगी। वहीं पे आप अगर बाहर से भी नट्स ले रहे हैं और इसके साथ साथ आप जो है वो कोई मिनरल्स की और कोई या विटामिंस की टैबलेट्स ले रहे हैं, वो आपको फायदा नहीं देगी क्योंकि वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। तो बहुत सारी चीजें जो है कुछ के साथ फायदा कुछ के साथ नुकसान। फिर फूड मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसका जो स्ट्रक्चर है फूड का, अब जो हमारे पास फूड है प्लांट के फूड है, जाहिर बात है उनका फूड मैट्रिक्स डिफरेंट है, और इसी तरह से जो हमारे पास जो है वो डाइटरी या जो डेयरी के प्रोडक्ट्स है उसका जो है वो डिफरेंट है। तो दोनों के जो फूड के जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट है, फिर वो डिपेंड करेंगे कि वो भाई सख्त है नरम है, किस तरह के होंगे, कैसे वो एब्जॉर्ब होंगे, किस तरह से होंगे, उनका स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा कि उन्हें किस तरह एब्जॉर्ब होना है। फिर डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सबसे की है डाइजेस्टिव हेल्थ, कि अगर आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक है, वो कमजोर है, जाहिरी बात है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। आप फिर कुछ भी खाएंगे तो आपको वो जो है ना जो बायो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होगी, ठीक है, ये बहुत ही कम होगी, आपको फिर डेफिशिएंसी रहेगी। आप खा भी लें तो आपकी आंखों के हल्के होंगे, आप गाजरों के जो है ना जितना मर्जी गाजरें खा लें आपकी आंखों की लाइट भी ठीक नहीं होनी, क्योंकि आपका जो स्टमक है मेन जो प्रॉब्लम है वो आपको उसको सॉल्व करना है। कहा जाता है ना जो स्टमक है वो हर बीमारी की जड़ है, ठीक है, तो इसको पहले ठीक करना और फिर बाकी इसकी अवेलेबिलिटी को बेहतर करना। इसी तरह से न्यूट्रिएंट जो कंपटीशन है उसमें भी होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स पहले जाना चाहते हैं कुछ बाद में, स्पीड लगी हुई होती है, तो स्पीड के अंदर भी इनका टकराव जो है ये पूरा मामला चलता रहता है, ठीक है, और इसको जो है ना लेके चलते हैं। तो आज जितनी रिसर्च हो रही है ना उस रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च आप ये कह लें फूड के अंदर अगर बात करें फूड साइंस के अंदर, तो वो ये बायो जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके ऊपर हो रही है सारी की सारी। क्यों हो रही है बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर? क्योंकि जो साइंस है वो ये देखना चाहती है कि भाई किस चीज का कितना इंटेक कैसे चाहिए, किस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है, और कैसे जो है हम जो दें तो उस तक परफेक्टली पहुंचे। यही तो हेल्थ की सबसे बड़ी जमानत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जी फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स का मतलब है फूड के अंदर जो चीजें शामिल हों, ऐड शामिल करना, तो फूड एडिटिव्स जो फूड के अंदर शामिल होती हैं, बहुत सी चीजें फूड के अंदर शामिल की जाती हैं, जो खाने की चीजें हैं खाने की अशिया हैं उन अशिया के अंदर जो है वो शामिल की जाती हैं, उनको हम कहते हैं जी वो फूड एडिटिव्स हैं। वो किस लिए शामिल हो सकती हैं? वो उनके टेस्ट के लिए हो सकती हैं, उनके अरोमा के लिए हो सकती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए, यानी हमारी सेंसेस को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए उसमें शामिल हो सकती हैं, और कुछ उनको सेव करने के लिए भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, यानी उनके फ्लेवर को उनके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, उनकी अपीयरेंस को। तो हमारी जो सेंसेस है ना, हम देखें चीज को देखेंगे तो हमें अच्छी लगेगी, वाह यार मोटा सा बर्गर, ऐसे ही है, तो उसके लिए कुछ चीजें शामिल हुई हैं, उसकी शाइनिंग जो है वो लस्टर वगैरह उसके लिए लाने के लिए उसके अंदर जो है ना वो शामिल किया जाता है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं जी कुछ जो है वो कलर हमें बड़े अट्रैक्ट करते हैं, किसका रेड पेस्ट्री है, व्हाइट चॉकलेट है, ब्राउन है, वो हम देखते हैं। इसी तरह से ठीक है कुछ और मजीद एजेंट्स के अंदर शामिल, यानी कुछ भी टेक्सचर वगैरह उसका हो सकता है, फूड का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये यहां पर अगर इस कप के अंदर देखिए तो ये यहां पर नंबर होते हैं फूड के। अक्सर आपने फूड के आइटम्स देखे होंगे, आप एक इवन जो है वो सिंपल लेज ही ले लें तो उन लेज को जो है वो आप जब उसको पलटेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये E124, E125, ठीक है, ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके पीछे प्रोडक्ट जो है रजिस्टर्ड है। तो उसमें से बहुत सी ऐसी हैं जैसे आपने सुना होगा कि उसके अंदर जो है वो हराम चीजें शामिल होती हैं, और वो भी शामिल करके तो वो कहा जाता है कि भाई फलां फला नंबर वाला अगर यूज हो रहा है कहीं किसी प्रोडक्ट के पीछे है तो वो आपने यूज नहीं करना, क्योंकि वो जो है वो हराम का पाउडर होता है जिसमें शामिल करते हैं। तो ये फूड एडिटिव्स हैं। अब फूड एडिटिव्स में अगर हम देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कॉमनली जो है वो यूज किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले है प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्व करते हैं चीज को, यानी कि अब एक प्रोडक्ट जो है वो बन रही है फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री से बनने तक आपके घर तक या मेरे टेबल तक पहुंचने के लिए अल्टीमेटली उसे जिन प्रोसेस से गुजरना है तो उसे महफूज करना है, तो सबसे पहले उसको प्रिजर्व करना है हमने, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के लिए बैक्टीरिया वगैरह या उसको उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, यीस्ट को रोकने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें बेंजोनेट और जॉर्बिक एसिड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
उसके अलावा जी फ्लेवर इन्हांसर होते हैं जो कि टेस्ट को या फ्लेवर को जो है वो इन्हांस कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसको डाला जाता है ताकि जो है वो आपका टेस्ट बढ़ जाए और आप बार बार उसी चीज की तरफ आए, उसके एडिक्टिव हो जाए और बार बार उसकी तरफ जाए, यानी जितना उसका टेस्ट है उसको और ज्यादा मजीद बढ़ा दिया, यानी कोई चीज मीठी है तो उसमें मजीद जो है आप शुगर ऐड कर दे और वाह वाह हो जाए, ठीक है। इसी तरह से कलर करना उसको, यानी कलरनेट जो है उसमें आप शामिल करते हैं, जैसे टेट्राजीन का नाम लिया जाता है, आपने देखा होगा टेट्राजीन बहुत ही कॉमन है, हल्दी टाइप का उसका कलर होता है, वो शामिल किया जाता है फूड्स के अंदर, ठीक है, तो वो कलर्स वगैरह जो है उसको बढ़ाने के लिए, कलर देने के लिए यूज होता है। अच्छा जी, इम्यूलिफाइज जो है वो शामिल होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को, यानी हर चीज उसमें अलग अलग होनी चाहिए, मिक्सअप होगी जाहिर बात उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, तो वो यूज किया जाता है। थिकनेस के लिए यूज किया जाता है ताकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ाई जा सके, उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा हो सके, ठीक है, अगर वो पतला होगा जिस, अब ये डिमांड के ऊपर है कि कौन सी चीज की थिकनेस चाहिए। अब जैसे जूस आते हैं आपने अक्सर देखा होगा नेस्ले के या किसी और चीज के, किसी और प्रोडक्ट के भी आते हैं, तो आप जब उसे ग्लास के अंदर डाल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा थिक होता है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो कॉमनली जब हम पे बनाएंगे तो वैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, तो उसका रीजन क्या है कि वो इसके अंदर थिकनेस की चीजें डाल रहे होते हैं तभी जो है वो होता है, या आप जैसे बबल गम वगैरह खा रहे होते हैं तो वो उसके अंदर काफी थिकनेस होती है, वो आपको जो है ना बार बार टेस्ट दे रहा होता है। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फ्री रेडिकल्स जो है उनको काबू कर रहे होते हैं ताकि वो हार्मफुल चीजों को खत्म कर सकें। स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है, वो डालते हैं। और रेगुलेशन और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दुनिया में स्ट्रक्चर फिलहाल बना हुआ है गो कि हमें पता है, हम ट्रस्ट फिर भी करते हैं कि जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हम कहते हैं भाई नेस्ले है, यूनिलेवर फलां फलां फलां, ये तो होंगे ही बहुत अच्छे, ये तो होंगे ही बहुत साफ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्यों होंगे कि उनके पीछे हम कहते हैं भाई रेगुलरिटी बॉडीज मौजूद हैं यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, इंटरनेशनली जो फूड्स को डील करती हैं, क्योंकि ये सारी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स के अंदर चीजें होती हैं, लोकल यहां पे लोकल भी यूज होती है लेकिन लोकली इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए जो है फिर जाहिर बात है पूरे स्ट्रक्चर सिस्टम बने हुए हैं, तो वो पास करते हैं उनको तभी जो भी है, यानी जैसे E111 है उन्होंने पास किया तभी पास हुआ, ठीक है, फिर हम देखते हैं हलाल का सर्टिफिकेट लगा होता है कि भाई ये हराम है तो इसके अंदर जिसके अंदर ये शामिल होगी उस तरह के प्रोडक्ट वो उसके ऊपर अपना स्टिकर नहीं लगाते, तो अब खैर हर चीज में ही दो नंबर ही है, कोई क्या कहे, किस लेवल पे कहे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो उसको हम क्या कहें। उसके बाद हमारे पास है जी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, अब जैसे मैंने लास्ट में बात की थी कि एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं फ्रीली यहां से वहां वहां से वहां जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए वो वहां पर होते हैं, फ्री रेडिकल्स जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे होते हैं, तो अब वहां पे होंगे तो उनको किल किया जाएगा। इसी तरह से सेल के अंदर होते हैं फ्री रेडिकल्स शामिल हो जाते हैं, वहां पे सेल की प्रोटेक्शन के लिए जो है उसका एक अपना जो है वो एक सिस्टम होता है, तो उसको जो है फिर क्या करता है जी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो काम करते हैं। अब ये मसनूई तौर पर भी हम देते हैं, जब बीमार हो कोई बंदा जाहिर बात है बीमारी उसके अंदर बॉडी के अंदर घुस गई, फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं, तो अब उसको क्या है जी एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह दे, या फूड के अंदर भी शामिल होते हैं, ठीक है, और बहुत से फूड होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए और हमारी ग़िज़ा को पलूट होने से बचाने के लिए, ठीक है, इसका वही काम है। आप जैसे स्कैवेज की बात करें ना, तो ये देखिए ये यहां पे गिद्ध है, ठीक है, गिद्ध क्या करती है, ये कायनात पूरी एक बॉडी है, ये जो जमीन है हमारी ये बॉडी है, तो यहां पे एनिमल मर भी रहे हैं जाहिर बात है, जख्मी है, बीमार है, फिर मर जाते हैं, तो वो वही पड़े पड़े ताफुन पैदा करें, जरासीम पैदा हो, कीड़े पैदा हो, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि उनको उनकी सफाई हो जाए, ठीक है, तो उनकी सफाई के लिए फिर हम देखते हैं गिद्ध जो है इस तरह के जो परिंदे हैं ये जानवर हैं वो इनको खाते हैं और सफाई करते हैं, ऐसा ही है, तो बिल्कुल ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये दोनों काम करते हैं, ये तो एक तो सफाई करते हैं और जितना भी हमारा बॉडी का वेस्ट है उसमें से चुन चुन के जहां पे हमारे काम की चीजें हैं उसको भी अलग करते हैं, ठीक है, वेस्ट में से काम की चीजों को भी निकालते हैं, जैसे ये जो गिद्ध है ये क्या करता है, ये जो गंध है उसमें से अपने खाने का चीजें निकाल लेगा, ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये काम भी करते हैं और साथ में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी काबू करते हैं, जो पोल्यूशन या जो यूवी रेज वगैरह होती हैं हमारी स्किन के अंदर घुस जाती हैं जाहिर बात नुकसान करती हैं, उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। की फंक्शंस अगर हम देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो ये न्यूट्रलाइज करना सबसे पहला काम है इनका, न्यूट्रल के ऊपर आपको बताया, जैसे न्यूट्रल करेंगे तो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, यानी ना नुकसान देगा ना फायदा देगा, लेकिन कम से कम जो है नुकसान से हमें बचा लेगा। सेलुलर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सेल है उसकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, एजिंग एंड डिजीजेस प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीमारियों से बचाने के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहा जाता है कि भाई आप खाते रहें तो आप हमेशा सदा जवान रहेंगे, तो ये जितनी भी चीजें हैं बेरीज वगैरह जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या आपको पता है ये क्रीम्स के अंदर भी आते हैं उसमें भी शामिल किए जाते हैं कि भाई आप जो है वो एजिंग का प्रोसेस रोक सके।
कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स बात करते हैं तो सबसे कॉमन विटामिन सी है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही जाती है कि यार अपने बॉडी में जो है ना ये जो टॉक्सिक्स है इनको खत्म करना है तो आप क्या करें जी, लेमन का जूस सुबह सुबह पी ले आप पानी के अंदर डाल के, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं ये सारे के सारे, इनके अंदर एसिड है। जाहिर बात है जब एसिड है तो एसिड क्या करेगा, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको मारेगा, खत्म करेगा, फ्री रेडिकल्स को काबू करेगा, उनका चार्जेस को खत्म कर देगा एसिड जब उनके ऊपर जाएगा, ठीक है, या बेस वगैरह होगी, पीएच लेवल को यानी कि मेंटेन करेगा, ठीक है। विटामिन ई है इसी तरह से, ठीक है जी, वो जो है वो मैनेज करता है सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी हेल्प करता है। इसी तरह से बीटा कैरोटीन है, ये भी आप देखते हैं क्रीम्स वगैरह के अंदर जो है चीजें शामिल होती हैं, इसके अंदर भी विटामिंस में भी आती हैं और काफी ज्यादा जो है ये लड़कियों की बेसिक चॉइसेस में से एक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और बाकी जो है वो कुछ यहाँ पे जिंक और उस तरह के हैं। तो फूड सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन हर चीज के अंदर यानी कि थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। तो किसी के अंदर अगर रिच है तो वो थोड़े ज्यादा है उसके अंदर, उस फूड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जी फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, कि फूड जो है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी और उसको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, फूड को उसको जैसे मैंने कहा ना कि जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल को कैसे प्रिजर्व करके फैक्ट्री तक लाएंगे और फिर वहां से आगे कैसे, तो उसके लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो डिबेट नहीं है कि वो कैसे होंगी, ठीक है, वो तो इकोनॉमिक्स की डिबेट है। लेकिन यहां पे क्या है कि फूड के जो प्रोसेसेस है और जो प्रिजर्वेशन है वो कैसे हो सकेगी, तो ये बहुत वाइटल एस्पेक्ट है और ये पूरी हर इंडस्ट्री के अंदर होता है और इंडस्ट्री इसी पे खड़ी है, सारी फूड इंडस्ट्री आप कह लें इस प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के ऊपर खड़ी है। जाहिर बात है अगर प्रोसेस ना हो सके फूड तो वो हम तक रॉ मटेरियल में पहुंच जाए तो फिर हमें क्या जरूरत है वहां से लेने की, पहली बात तो ये है, ठीक है। फिर हमें ये हेल्प करता है कि कोई जो है वो जैसे कोई अगर स्पेसिफिक चीज है, जैसे लेट सपोज टी है, अब टी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ऐसे ये अफ्रीका के अंदर है, बाकी ममालिक के अंदर है, वहां से वो कैसे प्रोसेस होकर हम तक पहुंच रही है, तो ये जो प्रोडक्ट्स की जो एक्सचेंज है वो इस प्रोसेसिंग के थ्रू पॉसिबल होती है। जो एक रीजन का नहीं है दूसरे रीजन में जा रहा है, दूसरे का दूसरे, तो ये सारे का सारा प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है, तभी ये चीजें जो है वो हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम की कंपोनेंट्स देखते हैं फूड प्रोसेसिंग के, तो सबसे पहले क्या है जी, क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग है, कि सबसे पहले उसको साफ करना, जो भी रॉ मटेरियल आ रही है फैक्ट्री के पास उसको वो क्या करेगी, उसको क्लीन करेगी, साफ करेगी, उसके बाद सॉर्ट करेगी कि कौन सा किधर, कौन सा किधर, कौन सा किधर, ठीक है, उसको सॉर्ट कर देगी। उसके बाद क्या होगा जी, प्रोसेसिंग टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई होंगी। अब प्रोसेसिंग टेक्निक्स में डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कटिंग हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, फर्मेंटेशन हो सकता है, इनके थ्रू क्या किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा ताकि जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो महफूज हो सके। उसके बाद उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है कुछ फ्रीजिंग होगी, डाइंग होगी, या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाएगा, यानी उसके लिए भी फिर जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ जो है केमिकल्स वगैरह उसके अंदर शामिल किए जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया शामिल किए जाएंगे ताकि वो उसको प्रिजर्व रख सके, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फिर एडिटिव्स इसके अंदर कुछ शामिल होंगे, ठीक है जी, जो एसिडिटिव्स, जो कलर्स वगैरह या जो बाकी फ्लेवर वगैरह ऐड करते हैं वो शामिल किया जाएगा। जाहिर बात है प्रोडक्ट बनानी है ना, पूरा प्रोडक्ट को एक शेप देनी है, तो उसके अंदर फिर एडिटिव्स तो शामिल होंगे, ठीक है, टेस्ट के लिए होंगे, फ्लेवर के लिए होंगे। फिर उसकी पैकिंग होगी, बहुत ही शानदार किस्म की पैकिंग उसके मार्केटिंग के लिए। फिर पैकिंग के भी स्टेप्स होते हैं कि पैकिंग के अंदर भी इंटरलेयर होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट के साथ टच हो रही है, ठीक है, उसके अलावा जो है फिर एक बाहर की लेयर होती है जहां पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है। फिर इस पूरी पैकिंग की पैकिंग होती है, यानी पहले एक प्रोडक्ट है, फिर वो एक प्रोडक्ट किसी बड़े कंटेनर के अंदर आती है, जाहिर बात है फिर उससे बड़े के अंदर, तो फिर पैकिंग के जो है वो स्टेप्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज करते हैं शेल्फ लाइफ को, सबसे पहली बात ये है, यानी जाहिर बात है पर्पज इसका प्राइम ये है कि चीजों को बढ़ाया जा सके। क्योंकि उसके ऊपर देखिए जब एक्सपायरी आप देखते हैं तो वो दो साल की किसी के ऊपर होगी, किसी के ऊपर छह माह की होगी, कम ही छह माह की होती है, ज्यादा ही होती है, तीन तीन चार चार साल तक होती है, क्योंकि जो उन्होंने सारे का सारा टेस्ट करके सारे केमिकल्स वगैरह डाल दिए उसके अंदर, तो पता चल गया कि भाई ये कब कब जो है ये एक्सपायर हो रहे हैं, उन्हें पता है जब ये एक्सपायर हो गए तो प्रोडक्ट वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये राउंड अवेलेबिलिटी होगी, पूरा साल चीजें अवेलेबल रहती है, यहां से वहां, वहां से वहां, चाहे वो सीजन हो ना हो, हर चीज अवेलेबल रहती है, इसी वजह से कि ये प्रोसेसिंग के थ्रू वो दुनिया के डिफरेंट जो है वो इलाकों में घूम रही होती है। इनहांस करती है न्यूट्रिशन को, अब ये तो कहने की बात है खैर, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ चीजें जब डालते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर करती होंगी। कन्वीनियंस के लिए होती है ताकि जो है वो हर चीज पैक हो, तो आसानी से जाहिर बात है उसकी अवेलेबिलिटी हो, अब बजाय इसके कि आप जो है वो खुद जाके खेतों से चीज लेके आ रहे हो, तो उससे बेहतर यही है कि हमें प्रोसेस चीज दे दी जाए तो बेहतर है, हम
छूट जाए हमारी, ठीक है। और चैलेंजेस इसके अंदर क्या हो सकते हैं जी, न्यूट्रिएंट लॉस हो सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है, जैसे आजकल आप देखते हैं कहा जाता है भाई ये डब्बे वाली प्रोडक्ट्स ना खाओ, डब्बे वाला दूध ना पियो, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, केमिकल्स हैं, हार्मफुल हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, सही भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एडिटिव और उसके कंसर्न्स हो सकते हैं कि जो टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, अरोमा के लिए जो चीजें डाल रहे हैं उनका सिर्फ प्राइम पर्पज ये है कि उनकी प्रोडक्ट बार बार रिपीटेडली जो है वो सेल हो, और उसके लिए वो क्या करते हैं आपको एडिक्टिव बनाते हैं। जैसे लेज है, आपने खा लिए तो आपने एक खाया तो आपने कहा दूसरा खाया दूसरा, क्योंकि उसके अंदर फैट है, उसके अंदर जो है वो सॉल्ट है, उसके अंदर फ्लेवर है, तो उसके इंजे के तौर पे आपका दिल करेगा बार बार खाने का, ऐसा ही है। तो ये क्या है, अब ये फायदे वाले तो नहीं है, ये नुकसानदेह है सारी चीजें। अब इसके अंदर वो क्या क्या डाल रहे हैं, सिर्फ अपने सेल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मल्टीनेशनल एक बिजनेस है भाई, उसको उनको क्या जरूरत है आपकी और मेरी हेल्थ की ख्याल करने की, ठीक है। और प्रोसेसिंग और हेल्थ जो है उसके लिए काफी ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये चैलेंजेस हैं। फिर हमारे पास ये क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड्स, कि जो हमारे पास पैक फूड आते हैं, ये जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं उसी का ये स्टेप टू आप कह सकते हैं, कि उसमें हमारे पास जो फ्रोजन फूड्स आते हैं, ठीक है, जो आप देखते हैं अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया कि तकरीबन हर चीज हमें फ्रोजन में मिल जाती है, सब्जियां हो गई, अच्छा जी मीट हो गया, कुछ भी हो गया हमें मिल जाता है। इसके अलावा पैक फूड जो आते हैं उनकी क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो कंपनीज तो दावे करती हैं कि भाई उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये अब हमें पता है, या शायद वो उनको बनाने वालों को जो पीछे साइंटिस्ट है उन्हें ही पता है कि उन्होंने किस टाइप की प्रोडक्ट बनाई है। फूड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं जी, पैकिंग इंटीग्रिटी के सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, और साथ में अगर हम देखते हैं तो वो मुख्तलिफ चीजों के साथ जुड़ी होती है, पैकिंग जाहिर बात है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के साथ जुड़ी होती है कि हर प्रोसेस जो हो रहा है वहां पे उसकी डिफरेंट पैकिंग हो रही है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बन के आ रही है। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू पे सवाल उठ जाता है कि भाई वो कम है या ज्यादा है, जैसे हमने लास्ट में बात की, एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स जो है उसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सके, और सेंसरी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर शामिल होती हैं, टेक्सचर वगैरह, तो ये वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर इस हेडिंग के अंदर पूछेगा तो यहां पर भी आपने वही छाप देनी है, ठीक है। फ्रोजन फूड्स क्वालिटी अगर उसकी बात करें कंसिडरेशन की, तो फ्रीजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है जी, कैसे उसको फ्रीज किया जाएगा, कैसे उसको जो है वो प्रोसेस है ना, डिफरेंट पैटर्न्स है उसमें किया जाएगा, जैसे स्टोरेज की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कैसे करेंगे, कहीं आप देखते हैं जी वो सॉल्ट वगैरह लगा के रखते हैं, कहीं आप देखते हैं जी वो उसको जो है धूप पे रख देते हैं चीज को, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको खुश किया जाता है, ठीक है, तो आप फ्रीजर में रख के भी उसको कर सकते हैं, मॉइस्चर को भी कर सकते हैं। फिर पुराने जमाने में जैसे चीज को जला के जो है उसको तब भी सेव किया जाता था, जैसे आज भी ये देखें ये जो न्यूमेटिक पैटर्न्स हैं ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि आपने चीज को जलाया और उसके बाद उसको सेव कर दिया, तो मुख्तलिफ तरीके हैं इन चीजों को जो है वो सेव करने के। फिर थॉविंग प्रोसेस है, ठीक है जी, कि किस तरह से आपने मॉइस्चर जो है उसको लॉस करना, उसके अंदर से चीज को खुश करना, यानी कि उसका, और उसका जो फ्रोजन फूड्स है सारी बात उनको ठंडा भी रखना, उसका प्रोसेस सारे का सारा। फिर न्यूट्रिएंट रिटेंशन है, कि न्यूट्रिएंट रिटेंशन जो है उसको कैसे आप जो है सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को या विटामिंस को उनको मैनेज कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो कैसे जो है उसके अंदर रह पाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो पैकेजिंग का हिस्सा है और उसके के अंदर R&D मौजूद होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। चैलेंजेस और सोल्यूशन की बात फिर वही आ जाते हैं, यहाँ पे क्वालिटी डिग्रेडेशन हो जाती है टाइम के साथ साथ, कि बहुत पुरानी प्रोडक्ट होगी तो जाहिर बात है नुकसानदेह है, कंज्यूमर की एजुकेशन जो है उसको एजुकेट करने की जरूरत है इस हवाले से। और फ्यूचर ट्रेंड्स में देखते हैं जी, क्लीन लेबलिंग आजकल लोग खुद ही डिमांड कर रहे होते हैं, और लेबल देख के देखें, वो लेबल देखते हैं हाँ भाई इस कंपनी का ये चीजें हैं, फिर लेते हैं, तो आज के टाइम पे पैकेजिंग काफी अहम है, ठीक है। अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं होगी या उसके ऊपर बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बाहर की इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि बाहर जो चीजें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर कितने कैलोरीज हैं, कितने विटामिंस हैं, कितने मिनरल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो तब तक कोई लेगा ही नहीं, तो वो सारी से बाहर भी लेबल होती हैं। और सस्टेनेबल पैकेजिंग भी एक चैलेंज है, कि ऐसी पैकेजिंग कि आप देखिए आप सिर्फ टॉफी या ये जो बबल या जो इस तरह की चीजें होती हैं इनके रैपर्स हर साइड पे पड़े हुए देखते हैं, तो ये तो कहीं पे डिग्रेड नहीं हो रही होती, तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, कैसे सस्टेनेबल जो है एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना दे। फूड पैकेजिंग, अब ये फिर से वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये अलग से हेडिंग है, तो फूड पैकेजिंग भी जो है उसकी क्वालिटी उस प्रोडक्ट को जो है लॉन्ग टर्म पे सेव करने के लिए रखी जाती है। की एस्पेक्ट्स ऑफ फूड पैकेजिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्शन और कंटेमिनेशन होती है उसकी, यानी उसकी हिफाजत होती है, अगर उसको पैक करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि उसकी हिफाजत हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रेशनेस उसकी रह सके, ठीक है जी, उस तरह जैसे है वैसे ही रहे। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन होती है उसके बाहर जो कुछ लिखा हुआ होता है, कन्वीनियंस होती है, आराम से उठाई जाती है, पोर्टेबिलिटी होती है उसकी, इनोवेटिव मटेरियल्स उसके अंदर जो है शामिल होते हैं।
टाइप्स ऑफ फूड पैकेजिंग की अगर बात करें तो प्राइमरी पैकेज होता है, जैसे कहा कि प्राइमरी एक टिन है जो प्रोडक्ट के साथ लग रहा है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद फिर टर्टियरी पैकेजिंग है, पूरे का पूरा एक बड़ा जो है वो उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस शामिल होंगे वो आएगा। तो चैलेंजेस और सॉल्यूशन की बात करें तो वेस्ट रिडक्शन के पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीनेशनल्स हैं ये इस माहौल को पलूट करने में बहुत ही की रोल प्ले करती हैं और सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास है जी एवोल्यूशन ऑफ फूड क्वालिटी, के जो फूड क्वालिटी है उस फूड की क्वालिटी की एवोल्यूशन क्या है, कि अब ये भी वही चीजें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वही सारा प्रोसेस कि कैसे एक फूड जो है फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आया, ठीक है जी। अब ये एक प्रोडक्ट है जो आपको नजर आ रही है, होल फूड जिसके ऊपर लिखा हुआ है, मल्टी वाइटमिन है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल जो है जो भी आया होगा, जो भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, देखिए यहां पे इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं जी, यहां पे इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें हैं, मिर्चें पड़ी हुई हैं, सनफ्लावर है, अनार है, सब कुछ है, मल्टी वाइटमिन है, जाहिर बात है हर चीज है। ये रॉ मटेरियल की शक्ल में फैक्ट्री में आए, ठीक है, वहां से आगे प्रोसेस हुए, उन प्रोसेसेस से जहां जहां से जो जो मल्टी वाइटमिन निकल सकते थे वो निकाले, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट बनी, उस प्रोडक्ट को उसके बाद लेबल किया, उसको उसके बाद पैक किया, उसको उसके बाद मार्केट किया और उसके बाद उसको सेल कर दिया। तो ये मुख्तलिफ जो है वो एवोल्यूशन के स्टेजेस हैं, यानी कैसे स्टेप बाय स्टेप कहां से कहां प्रोडक्ट बनने से लेके हमारे तक पहुंचने का ये सारा का सारा सिलसिला है। सेंसरी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी इसके अंदर टेस्ट होता है, अरोमा होता है, टेक्सचर होता है और अपीयरेंस होती है, जो हमें देख के जो है ना जैसे ही हम मार्केट के अंदर जाएंगे तो करोड़ों प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट हम कैसे उठाएंगे, क्योंकि हमें वो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा जी, न्यूट्रल कॉन्टेंट उसके अंदर होगा, सेफ्टी और हाइजीन होगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फ्रेशनेस होगी उसकी। मेथड्स अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है जी, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो सकता है, ठीक है जी, कि कैसे जो है किसी चीज को आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके फ्लेवर को कैसे जो है वो काबू कर सकते हैं, या उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो नुकसानदेह हार्मफुल जो केमिकल्स वायरस को कैसे जो है आप अपने सिस्टम के या मशीनें वगैरह जो लगाई हुई होती है उसके थ्रू काबू करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है कि कैसे जो है वो माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है पूरा फील्ड है, तो उसके थ्रू जो है वो चेक किया जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, उसको देख के कैसे उसका जो है ना भाई हाँ हर सेफ्टी पे ओके है, चेकलिस्ट चेकलिस्ट, तो QR होगा उसका, क्वालिटी चेक होगा फिर ही होगा। सेंसरी एनालिसिस होगा, उसके बाद पैकिंग देखेंगे स्ट्रांग है, मजबूत है, सब ओके है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस होगा कि खराब कब होगी, कितने केमिकल्स हैं, किस तरह से हैं, वो प्रोसेस होगा। फिजिकल मेजरमेंट होगी उसकी, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगी, तो ये सारे प्रोसेस होंगे, फिर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो है जाके एंड को पहुंचेगी। तो उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो अक्रॉस बैचेस चाहिए होती है, यानी सारे बैचेस जितने भी बन रहे होते हैं उन पे सब एक जैसे ही हो, एक में 5 किलो, एक में 2 किलो, ऐसा नहीं हो सकता, सब में एक जैसे ही होना चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी अगर हम देखते हैं तो पहले लोग रॉ मटेरियल को प्रेफर करते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल, अब दोबारा से लोग जो है टर्न हो रहे हैं, ये वो जो है ना हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स वाली बात है कि पहले सोसाइटी लेस स्टेट्स थी, ठीक है, पहले स्टेट्स ही नहीं थी खैर, लेकिन फिर जब स्टेट्स बनी तो सोसाइटी लेस स्टेट्स थी, फिर सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद जो है फिर अब फ्यूचर में उसने कहा था कि एक बार फिर जो है वो सोसाइटी लेस स्टेट्स हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ये भाई सारे का सारा ग्लोबलाइजेशन आज देख रहे हैं, कुछ सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये ऐसा ही है, पहले लोग जो है वो रॉ मटेरियल खाया करते थे कि भाई ये हेल्दी है, या लोगों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, फिर लोग मॉडर्न होना स्टार्ट हो गए और बीच में जो है उन्होंने कहा कि जी पैकेजिंग मटेरियल आजकल जैसे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है या हर मुल्क के अंदर तकरीबन है, लेकिन फिर वहां से हम देखते हैं कि फिर दोबारा से अब दुनिया जो है वो हेल्थ के ऊपर जब आती है तो फिर हकीम साहब मशवरा देते हैं कि भाई बहुत दूर भागो इनसे, पैकेजिंग मटेरियल के पास भी ना जाओ, गुनाह है पास खड़े होना भी, तो फिर दुनिया वहां जा रही है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में जाहिर बात है अब ये चीजें ऐड हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद जो है वो अपग्रेड होंगी। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे हमारा टॉपिक है जी, वो है जी फूड एडल्ट्रेशंस, के फूड के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं हार्मफुल जो शामिल की जाती हैं, जो फूड की जो क्वालिटी है, ठीक है जी, उस क्वालिटी को नुकसान पहुंचाती हैं, कम करती हैं। अब ये बेसिकली वो है जिसको हम डिस्कस करते हैं, हमें कहा जाता है, हमारे जो हकीम हैं खास करके वो डिस्कस कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि भाई ये जो हम खा रहे होते हैं ये सब का सब केमिकल है, इसके अंदर केमिकल डाला हुआ है, 2 नंबरी है, सब कुछ है, फैक्ट्रीज ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, तो ये सारे का सारा वही है फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है, फूड के अंदर चेंजेस कर देना उसकी क्वालिटी को कम करने के लिए, उसकी क्वालिटी को खराब करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए ये किया जाता है। नेहा, मुझे लड़कियों के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर बात है मैं सोसाइटी में रहता हूं तो मैं देखता हूं कि कौन सी चीजें लड़कों के लिए और कौन सी लड़कियों के लिए, इसलिए जो है ना। एडिशन ऑफ कंटेमिनेशन जो है इसके अंदर शामिल हो सकती है, जैसे कोई भी चीज देखिए अगर जरात की है, एग्रीकल्चर की, तो पेस्टिसाइड्स आपको पता है वहां पे अप्लाई होती हैं, क्योंकि जब तक कीड़े मार अद्वियात नहीं होंगी और कीड़े खा जाएंगी आपकी फसल को तो आपको फायदा नहीं होगा, आपका कर्ज वापस नहीं जाएगा, तो आप फसल की मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन हासिल करने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार अद्वियात का। अब वो कीड़े मार अद्वियात जहरीली हैं सारी की सारी, तभी तो कीड़े मारती हैं, तो अगर वो कीड़े मारती हैं तो किसी ना किसी लेवल पे हमारे लिए भी तो नुकसानदेह हैं, हमारी भी बॉडी
ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह हैं, जाहिर बात है, ठीक है। इसी तरह से हैवी मेटल्स हैं या मैक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं जो शामिल किए जाते हैं जो नुकसानदेह हैं, ठीक है, या जो ये मुख्तलिफ पैकेजिंग के अंदर भी आते हैं, हम कहते हैं भाई इसकी पैकेजिंग ये नहीं होनी चाहिए, ये नुकसानदेह है। डुलेशन आर सब्सट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वेट को बढ़ाने के लिए पानी डाल दिया, ठीक है जी, अच्छा जी। इसी तरह से ऑयल जो है वो स्टैंडर्ड ना डाला, यानी आप देखते हैं चिप्स वगैरह जो होते हैं हम क्या कहते हैं भाई ये गंदे हैं, गंदे तले हुए हैं, गंदे ऑयल के अंदर हैं, बीमार करेंगे, ऐसा ही है ना। या कुछ चीजें जैसे आप देखें कुर्बानी के जानवर होते हैं तो उनको पानी पिला पिला के मोटा कर देते हैं ताकि उनका वेट अच्छा लगे देखने में, तो वो ज्यादा पैसे लेंगे, तो इस तरह के जो है वो होते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह से आप देखें लेज वगैरह वाले आप देखते हैं तो इतने से लेज होते हैं और इतना पैकेट जो है वो हवा से भरा होता है, तो उसको खोलें तो अंदर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये सारे का सारा फूड एडल्ट्रेशन है, धोखा है भाई, हवा भर दी उन्होंने पैकेट के अंदर। तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं खास करके, क्योंकि देखिए पर्पस एक है, पर्पस क्या है, प्रॉफिट, मुनाफा कमाना जो है वो मकसद है। तो जब मुनाफा कमाना मकसद होगा तो उसके लिए फिर क्या होगा, फ्लेवर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कोई चीज अच्छी लगेगी तब आप अगली बार जाएंगे ना। मिसलीडिंग एंड फॉल्स पैकेजिंग होगी कि बाहर कुछ और लिखा होगा अंदर कुछ और ये बहुत होता है, ये मिसलीडिंग जो है ना ये पाकिस्तान में तो भरमार है। अक्सर आप ये इसको ना ई कॉमर्स से आजकल जोड़ा जाता है, अब तो खैर काफी बेहतर हो गई है चीजें, जैसे कहा जाता है भाई कि आप जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर ये करेंगे और आएगा ये, यानी केला ऑर्डर किया तो सेब आ गया, तो इस तरह की अक्सर चीजें होती हैं और ये बहुत होता है, मेरे अपने साथ हुआ है इवन, ठीक है। मैं आपको बताऊं एक बार मैंने ना, मुझे पिछले साल बहुत शौक चढ़ा कीटो डाइट का ना, मैंने कहा यार थोड़ा पतला होते हैं स्मार्ट होते हैं, तो मैंने कीटो डाइट का सोचा। तो कीटो डाइट आपको पता है फिर वो लो कार्ब्स के ऊपर होती है, लो फैट्स के ऊपर होती है, तो उसके लिए कुछ टैबलेट्स होती हैं। मैंने खुद से तो तकलीफ नहीं की कि भाई खुद अपना कोई चार्ट बनाऊं कुछ करूं, तो मैंने कहा भाई अगर कोई मेडिसिन इस तरह की मिलती है तो अच्छी बात है ले लेते हैं, थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया जी, मैंने जो है ना वो ऑनलाइन देखा इंटरनेट वगैरह के ऊपर, तो वहां से किसी वेबसाइट के ऊपर इसी तरह से कोई थी पाकिस्तान की कोई जो है ना वो प्रोडक्ट थी, अब मुझे नहीं पता किस एरिए की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये कीटो डाइट है और इसी तरह से जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की पैकेजिंग, आप देखिए एडल्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया जी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की कीटो डाइट की पैकेजिंग और ये बड़ा मजे का लिखा हुआ के लिखा हुआ, ठीक है, और साथ में आगे उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह डले हुए, तो मैं बड़ा खुश, मैंने उसको कॉल की, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किया, तो उन्होंने कहा भाई मिल जाएगी आपको, 5000 उसकी प्राइस थी मेरे हाल में, 4500 या 5000, तो मैंने उनसे मंगवाया, ठीक है जी, एक मंगवाई और मुझे क्या पता कीटो डाइट उसमें वो है कि नहीं, उन्होंने कहा हुआ था कि 4 से 5 kg तक जो है वो आपका वेट लॉस होना ही होना है एक महीने के अंदर, क्योंकि वो 30 tablets थी उसके अंदर कैप्सूल शायद। तो खैर मैंने पहले महीने लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जरा फर्क नहीं पड़ा, फिर मैंने कहा यार अब नेक्स्ट मंथ लिए जाए ना लिए जाए क्या किया जाए, फिर मैंने सोचा ऐसा करते हैं अब एकदम से फर्क तो पड़ेगा नहीं तो मंगवा लेते हैं कौन से महंगे। तो अगली बार मैंने उसी बंदे को उसी व्हाट्सएप से उसी नंबर से दोबारा से ऑर्डर अपना जो है वो रिपीट करवाया, उस बंदे ने भेजा। अब पिछली बार जो पैकेजिंग आई उसके अंदर के लिखा हुआ बड़ा जबरदस्त कीटो डाइट, अगली बार जो आती है जी उसका ऊपर से कुछ और लिखा हुआ ही कुछ और है, मल्टी वाइटमिन्स और ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ यार ये कैसे भेज दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा भाई आपने गलत मुझे भेज दिया। मुझे कहता है नहीं गलत नहीं है, मैंने कहा भाई पिछली बार कीटो डाइट मंगवाया था उसके ऊपर लिखा हुआ था, इस बार इसके ऊपर तो मल्टी वाइटमिन और पता नहीं कुछ और लिखा हुआ है। कहता है आपने खोला, मैंने कहा नहीं खोला। कहते इसे खोले, मैंने कहा खोलूंगा आप वापस नहीं लेंगे, उसने कहा खोले। मैंने खैर वो पैकेजिंग खोली तो कहते हैं हाँ जी अंदर क्या है, मैंने कहा अंदर कैप्सूल हैं। कहता है कैसे हैं, मैंने कहा वैसे ही जैसे लास्ट टाइम थे। तो कहते हैं ये वही हैं, मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता है ये कैसी बातें कर रहे हो, यानी पिछली बार मैंने, इसका मतलब ये है कि ये दो नंबर चीजें दे रहे हैं कि उसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट लेबल करके उसको पता नहीं वो 50 प्रोडक्ट बना के बेच रहे होंगे। तो मैंने कहा यार मैंने जो है ना मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात के ऊपर, अब वो खुश हो रहा है इस बात के ऊपर, कहता है एक ही चीज है भाई ले, ये नहीं कहता कि ना ये कीटो डाइट है ना ये मल्टी वाइटमिन है, ये तो कुछ और ही चीज है। तो ये होता है मिसलीडिंग होती है, बाहर कुछ और लिखा हो अंदर कुछ और होता है। प्रेजेंस ऑफ अनसेफ एडिटिव्स और जो चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर दी जाती हैं, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं जी, रूटीन टेस्टिंग के थ्रू इसको हल किया जा सकता है, क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है, क्वालिटी इंश्योरेंस जो है QR हो सकती है, अच्छा। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस जो है उसकी कंपेन्स हो सकती हैं, जैसे हकीम साहब चलाते होते हैं आप कल आप पता है यूट्यूब के ऊपर वो देखते हैं ना हकीम साहब के चैनल, तो वो कहते हैं भाई ना खाया करो बिल्कुल भी, बहुत खतरनाक है। और रेगुलेटरी जो है वो
ओवरसाइट होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर होना चाहिए। जाहिर बात है तब भी वो देखे कि भाई चेक एंड बैलेंस है कि नहीं, कि हम मानते हैं कि आईएसओ जो है वो सर्टिफाइड होती हैं चीजें, लेकिन वो आईएसओ सर्टिफाइड पता नहीं कहां जाती है, हमें तो नहीं मिलती। आपने देखा होगा आईएसओ 2000, आईएसओ पता नहीं कौन कौन सा जो है 2006, वो सर्टिफाइड होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती। और एट दी एंड हमारे पास इंपैक्ट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ हैजर्ड्स है हमारे लिए, यानी हमारी सेहत सबसे पहले नुकसानदेह होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, हमें पैसे देंगे खामखा की चीज के लिए, जैसे मैंने दिए दो बार, ठीक है। और लीगल कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, चलें वो तो जो बेचेगा उसके लिए हो सकते हैं, और प्रीवेलेंस एंड चैलेंजेस हो सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज है, अब जाहिर बात है पूरा का पूरा जो है ना, और टेक्नोलॉजिकल जो सोफिस्टिकेशन है उसमें भी हम देख रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी के थ्रू चीजें बिक रही हैं और डिफरेंट चीजें हैं, तो अब इसमें चीजों को देखना, उनकी क्वालिटी को देखना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल जो है वो फूड एडल्ट्रेशन जो है वो दो नंबरी है, और जो दो नंबरी हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा जी टॉपिक खत्म हो रहा है, और ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो फूड और उससे रिलेटेड चीजों का था, जो ऑलरेडी आपको पता थी, हमने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया, ठीक है, और दोबारा से आपको रिवाइज हो गया। होम पेज पे जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ये लेक्चर 17 था, और फूड साइंस थी, और काफी लेंथी था, और इसमें से आप अगर पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे भी पूछा हुआ है, प्रोटीन्स पे भी, यानी छोटे छोटे नोट्स पूछ लेता है, दो से तीन जो है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 10 से 15 मार्क्स जो है यहाँ से बन जाते हैं आपके, 10 मार्क्स तो बनते ही बनते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जितनी चीजें याद रहे आप लिख दें, आपको जो है उसके नंबर वो अच्छे खासे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। अच्छा जी, मैं दवाई वाली कंपनीज का ख्याल नहीं रखता, अपनी सेहत का ध्यान देता हूँ, और उन्हीं की जो है ना दो नंबर चीज़ें खा खा के तो मैं खुद को और बीमार करूँ, है ना। चलें जी क्लोज करते हैं इसको, थैंक यू।